अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ युसरा एजाज, एक नए दिन के साथ, एक नई सुबह के साथ आपके सामने। अच्छा जी, सबसे पहले सारे देखने वालों को जुम्मा मुबारक। आज जुम्मे का दिन है। उसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि आज अगर आपको मेरा ये ग्रीन जो पेपलम टॉप की तरह एक या ट्यूनिक की तरह जो एक मैं कुर्ता पहनी हुई हूँ या यू नो ये आउटफिट पहनी हुई हूँ आपको पसंद आता है, सो दिस इज़ बाय वन वे पी के। शाउट आउट टू यू वन वे पी के, बहुत शुक्रिया इस वार्डरोब का और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आए विद द ट्रक आर्ट एंड एवरीथिंग। इट्स रियली रियली नाइस, सो थैंक यू सो मच। उसी के साथ साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारी दोस्त को रेना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम युसरा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे लग रहा है युसरा के अंदर एक्स्ट्रा बैटरी सेल्स लगे हुए। वो मैंने कॉफी पी है ना आपके सामने ही तो पी थी। जी बिल्कुल, आज मेरी चाय भी बड़ी अच्छी है। मैं कहती हूं मुझे कॉफी मिल जाए मैं दुनिया फतह कर लूंगी। अच्छा पता है, जब आपको अच्छी सी कॉफी या सुबह में अच्छी सी चाय मिल जाती है ना, तो आपकी जो है ना दिन का आगाज ऐसा लगता है एनर्जी बूस्ट अप हो गई है। वाकई बिल्कुल। और कभी कभार ये भी होता है कि अगर आपका स्लीप पैटर्न जो है वो नॉर्मल नहीं हो ना, तो आप जितनी भी चाय पी ले, जितनी भी कॉफी पी ले, वो आपको असर ही नहीं करती, बल्कि बॉडी एक होना शुरू हो जाता है और इस तरह की कोई सिचुएशन शुरू हो जाती है। तो वैसे भी कैफीन का हमारा इस्तेमाल जो है ना वो रमजानों में थोड़ा सा लो वैसे ही हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली लोग कोशिश करते हैं, अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सही में किसी किस्म की कैफीन कंजम्पशन नहीं करूँ, वरना मुझे नींद नहीं आएगी दोबारा फजर के बाद, फिर नींद नहीं आती और वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि नहीं करूँ और फिर इफ्तार पे शायद कभी। अच्छा मुझे तो ऐसा लगता है ना कि एक वाहिद हलाल नशा है हमारे वर्षे में जो कर सकते हैं, लाइक चाय में जो कैफीन होती है, इट्स लाइक हलाल, इट्स नेचुरल। तो मुझे लगता है यार दिस इज द ओनली ऑप्शन, तो भाई ठीक है, गो विथ इट। जब बात हम कर रहे हैं ना कैसे हलाल और नशे की और जो हाई होने की, तो आजकल जो लोग हैं ना, मुझे लगता है सियासतदान आजकल बड़े हाई हुए हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो चाय का कैफीन है ना उससे ज्यादा वाली कैफीन लगा ली है सबने। आपको पता है युसरा, कल मैं न्यूज़ देख रही थी और हमारे एक सियासतदान है जिन्हें हम फैसल साहब कहते हैं, फैसल वाडवा के नाम से जानते हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई हमारे जो तमाम देखने वाले हैं उनसे भी पूछेंगे, आज उनसे कॉल पे भी पूछेंगे कि क्या वो महंगाई से खुश हैं। फैसल वाडवा साहब ये कहते हैं युसरा कि अगर आवाम कहती है अगर 200 रुपए भी पेट्रोल होता है तो होने दें, वी डोंट केयर। आप जो है एहतसाब नहीं छोड़े, एहतसाब जरूर। हम सब तो अंबानी बैठे हुए ना, मतलब रिडिकुलस। अच्छा थाईलैंड में भी एक बंदे ने अपनी सिक्योरिटी गार्ड से शादी कर ली, ये खबर आप? बंदे ने, बंदी ने, आई थिंक बंदी है या बंदा है, किसी ने सिक्योरिटी गार्ड से शादी कर ली। प्यार दीवाना होता है, थोड़ा सा अंधा भी होता है। अच्छा पता है ये हिस्ट्री चलती रहती है हमारी भी से, हम देखते हैं, मैं बताना नहीं चाहूंगी लेकिन सबको ही पता है ये गार्ड से और ड्राइवर से शादी करने वाला कल्चर तो पुराना है हमारी। हाँ। सियासत में भी बड़ा पुराना है। तो जनाब ये थोड़ी थोड़ी सी मजे मजे की बातें हो गई और थोड़ी ऐसी चीजें होती है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना, कुछ चीजें होती है आप समझा करें कि हम इतने ओपनली बोल नहीं सकते लेकिन हम इशारा जरूर कर देते हैं। ऐसे ही वो कहते हैं ना, अकलमंद के लिए इशारा ही काफी है। और काफी सारी खवातीन होती है ना बेचारी, इतनी बिजी होती है किचन में और एवरीथिंग, तो उन्हें टाइम ही नहीं मिलता कि ना वो न्यूज़ वगैरह देख सके। तो हमारी कोशिश होती है कि जो मजे मजे की और जो डेली जो एंटरटेनमेंट की और आपकी न्यूज़ ऐसी है इंपॉर्टेंट जो आपकी लाइफ को इफेक्ट कर सकती है वो मैं बताती चलूँ। हाँ कल आपको पता है उसका ट्रैफिक बड़ा रेकलेस था, बिल्कुल क्रेजी ट्रैफिक था कल। कौन सा इंसान ऐसा नहीं है जिसको मैंने ट्रैफिक पे कंप्लेन करते हुए नहीं देखा। रामेश सफा हमारे जो ब्लॉगर है, मैंने उनको देखा, वो खड़े हुए कह रहे बेड़ा गरक हो ये देखे ट्रैफिक कितना ज्यादा, खुद ब्लॉग कर रहे थे। मुबीन उल हक जो बेकार वाइंस के, वो ब्लॉग कर रहे थे। और उसके अलावा भी डिफरेंट डिफरेंट लोग जो ना ट्रैफिक के बारे में बड़ा कंप्लेन कर रहे थे। अच्छा मैं तो कल कुछ अपने कोवर्कर्स को देखा जो ट्रैफिक में, आज हमारे कल प्रोड्यूसर साहब की भी मुझे आवाज आ रही थी कि उनको भी ट्रैफिक में कुछ हो गया था, तो कह रहे थे बड़ा ट्रैफिक हो रहा है। इनफैक्ट कल मैं सुबह 7 बजे निकली हूँ तो ट्रैफिक था, मैं वापस आई हूं तो ट्रैफिक था। एग्जैक्टली, जो मेरा 14 मिनट्स का नॉर्मल ड्यूरेशन होता है रस्ते का, वो 55 मिनट्स में कवर हुआ था। तो मुझे लग रहा था कल तमाम जो लोग है ना वो बड़ी खरीदारी करने के लिए सड़कों पे आए हुए हैं, क्योंकि मैं यही है ना रमजान जब आने लगता है ना तो लोगों को होता है कि भाई एक तो सबके घर में वो पकौड़ा मिक्स चाहिए होता है, सब वो जाके खरीद रहे हैं, बेसन जाके खरीद रहे हैं, बेसन तो जरूरी होता है बिल्कुल। और फिर उसके बाद दूसरी चीजें जैसे वेजिटेबल्स हैं ये सारी चीजें, और रमजान जैसे करीब आने लगते हैं प्राइस में एकदम से हाई। क्या देखा ये स्ट्रगल जो लोगों के हाथों में, और मैं जिस तरह देख रही थी सब लोगों के हाथों में शॉपर्स थे ना, वो कटलरी सेट्स और बर्तन तरह तरह के, वो भाई अब आखिरकार हमारी जो वालदा है सारी, तो वो भी तो देसी है ना, तो उनको दिखाना तो पड़ता है कि भाई फुप्पो आई है तो नया सेट तो लगेगा। लेकिन साथ साथ नजर डाल देते हैं मौसम पे क्योंकि वो बहुत जरूरी है, आपको पता चले कि हीट वेव की सिचुएशन क्या होने वाली है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो ये आपको बताते चलें कि कराची में जो मौसम है 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, उसी के साथ साथ 0% चांसेस ऑफ रेन है, 25% ह्यूमिडिटी है, जिसका मतलब है कि हीट वेव का सिलसिला अभी भी चल रहा है, गर्मी का ऐसा कोई तोड़ नहीं है। तो अपना बिल्कुल ख्याल रखें और अपने साथ साथ एनिमल्स का भी ख्याल रखें जो आपके अराउंड होते हैं,
खाना पीना उनको दें, उनके लिए पानी ज़रूर रखें। बहुत सारी बर्ड्स भी डिहाइड्रेशन से सफ़र कर रही होती हैं। उसी के साथ साथ लाहौर की जब बात करें तो लाहौर जो है ना वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यहाँ पर भी ह्यूमिडिटी बहुत कम है, 21% है। ड्राई मौसम रहेगा, 0% चांसेस ऑफ रेन है और हवाएं भी बहुत कम चल रही हैं। कराची में हवाएं 19 किलोमीटर पर आवर पर चल रही हैं तो लाहौर में 14 किलोमीटर पर आवर पर चल रही हैं। लेकिन लाहौर में ये होता है लू नहीं लगती लोगों को। अब मुझे इसकी लॉजिक नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत कम ऐसा सुना, या शायद यू नो इट्स माई इग्नोरेंस कि मुझे इतना नहीं पता। उसी के साथ साथ इस्लामाबाद की जब बात करें तो इस्लामाबाद में मोस्टली सनी होगा, 31 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और साथ साथ 37% ह्यूमिडिटी और हवाएं चल रही हैं 14 किलोमीटर्स पर आवर पे। और इस्लामाबाद में फिर भी यू नो दोनों जगहों को देखें तो सबसे ज़्यादा बेहतर मौसम है, इतनी ज़्यादा ड्राइनेस नहीं है। और ये जब ड्राइनेस आती है ना तो आपको अपनी जैसे स्किन का भी ख्याल रखना चाहिए। मेरे ना यहाँ रिजेस पे जहाँ जहाँ पे भी ड्राइनेस मुझे लिटरली फील हो रही है, मुझे इचीनेस फील हो रही है। और एग्जैक्टली अच्छा मुझे ये सेम प्रॉब्लम ना मेरी चिन साइड पे, मुझे लगता है इची हो रहा है, बड़ा ड्राई ड्राई सा इची हो रहा है। और दूसरी चीज है इस मौसम में एक्नी बहुत ज्यादा होती है। लोगों को नॉर्मली लगता है कि एक्नी शायद हमें सिर्फ ऑयली स्किन पे होती है, मुझे एक्नी स्पेसिफिकली ड्राई स्किन पर होती है। और विंटर में भी जो एक्नी होती है ना लोगों को, वो ड्राइनेस की वजह से होती है। अच्छा लोग एक्नी होगी एक्जैक्टली, और लोग ये भी कंफ्यूज करते हैं कि शायद गर्मियों में मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहिए। इनफैक्ट गर्मियों में आपको लाजमी लगाना चाहिए, लाइक एक ड्रॉप मॉइस्चराइजर आप जब अपना सुबह उठ के मूड होते हैं तो लाजमी लगाएं, क्योंकि और कोशिश करें जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करें। जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर में ये होता है कि वो जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है और आपकी स्किन को भी सही रखेगा। जल्दी से हॉरोस्कोप शामिल करते हैं। सबसे पहले मैं जेमिनी का हॉरोस्कोप शामिल करूंगी जस्ट बिकॉज ऐसी दिल चाह रहे आज। अच्छा जी, तो जेमिनाइज जो है ना आजकल बड़े रोमांटिक हुए हैं और जो है उनको कोई ना कोई, अगर आपको अभी तक अपना पार्टनर नहीं मिला तो आपको पार्टनर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास आपका पार्टनर है तो वो पार्टनर आपको इस सोच में डाल देगा कि क्या ये मुझसे प्यार करती है या नहीं, क्या ये मुझसे प्यार करता है या नहीं, क्या ऐसा आप करने वाली। मैं तो मेरे हाथ डेली बेसिस पे करती हूँ और मैं रोजाना क्यूरियस होती हूँ कि आज मेरे हॉरोस्कोप में क्या लिखा हुआ है। तो जनाब आज सेजिटेरियस के हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है कि आज आपने आपके जो एक कोई फ्रेंड है उस पर आपको बड़ा डाउट हो रहा है, आपने शायद इनको पैसे दिए हुए हैं या शायद आपने कोई प्रॉमिस इनसे लिया हुआ था जो वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होने वाला है, अगर किसी फ्रेंड को या किसी कोलीग को आपने पैसे दिए हुए हैं या उनसे कोई प्रॉमिस लिया हुआ था तो वो जो प्रॉमिस है या वो जो पैसे हैं वो नहीं दे पा रहे, प्रॉमिस फुल नहीं कर पा रहे। ये भी लिखा हुआ है द बेस्ट वे टू जज इज़ टू बाय ट्रैकिंग देम। आप उनका ट्रैक रखें, आप जब किसी को पैसे देते हैं, आप जब जो है किसी को कोई प्रॉमिस लेते हैं तो आई थिंक इट्स गुड कि आप जो है ना कोई कहीं लिख लें, उसको भी बंदे को याद रहता है कि आपने प्रॉमिस किया था ना आप पैसे मुझे वापस करेंगे, आप लिख के रख लें। अच्छा जी, उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि आज जो है आप जो है अनडिपेंडेबल फील करेंगे। इंडिपेंडेंट इंसान कभी कभी बहुत ज़्यादा फील करता है, तो आज का दिन ऐसा है कि आप बड़ा इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं। ये भी लिखा हुआ है कि आप किसी के लिए आज बड़ा अच्छा साबित हो सकते हैं, किसी के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकते हैं, किसी के लिए बड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर शामिल हो सकता शाम साबित हो सकते हैं। अच्छा कभी कभी क्या होता है, सुबह ना मेरी बड़ी जो टंग है ना वो बड़ी स्लिप हो रही होती है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरी टंग ना स्वेल हो रही है, टाइम के साथ साथ थोड़ी इसकी स्वेलिंग उतरेगी। तो जनाब साथ ये भी लिखा हुआ है कि आज जो है आपके जो है ना लेफ्ट क्लाउड्स में आपका जो है बेस्ट फ्रेंड है, लाइक आपके किसी बेस्ट फ्रेंड को आपकी ज़रूरत है। एक तरफ तो ये लिखा हुआ है कि किसी फ्रेंड पे आपको जो है पैसे आपने दिए हुए या उनसे कोई प्रॉमिस दिया हुआ है वो फुलफिल नहीं हो रहा साथ ही, लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि कोई ऐसा भी फ्रेंड है जैसे आपकी ज़रूरत है। तो अपने इर्द गिर्द ज़रूर झांकिएगा कि किसको आपकी ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी यह होता है, इनफैक्ट आजकल के ज़माने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग आपको पता नहीं चलता किस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, आपको पता नहीं चलता कि लोग आपके सामने ही सुसाइडल हो रहे होते हैं लोग, और आप रियलाइज़ नहीं कर पाते, छोटी छोटी बातें एक्यूमुलेट होकर ना उनका इतना बड़ा डिप्रेशन बन जाती है कि यार हमारे साथ के मतलब आई हैड अ फ्रेंड हु पास्ड अवे जस्ट 1 month बैक, उसने कभी रियलाइज़ ही नहीं किया या इट्स वेरी डिप्रेसिंग, कभी उसने किसी से शेयर ही नहीं किया, ही वॉज अ वेरी डिप्रेस्ड। और फाइनली क्या हुआ, उस डिप्रेशन को ले लेके उसका ब्रेन हेमरेज हुआ एंड 75% ऑफ हिज बॉडी वॉज सडनली पैरालाइज, उसके 2-3 ऑपरेशन भी हुए लेकिन हम उसे नहीं बचा पाए, हमने बड़ी दुआएं की लेकिन नहीं बचा पाए, जस्ट बिकॉज उसमें स्ट्रेस इतना था कि ऑल ऑफ अ सडन उसके ब्रेन ने जो है उसकी बॉडी का साथ देना छोड़ दिया। तो जनाब कोशिश करें कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई स्ट्रेस में है तो उसे आप स्ट्रेस से बाहर निकाल दें। कैप्रिकॉर्न्स की भी मैं जी हाँ बिल्कुल नहीं आप बोलें, मैं आपको ये बोलने वाली थी कि ये जो चीज़ें होती है ना मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ये मेरे साथ भी हो चुका है। व्हेन आई वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, आई हैड क्लिनिकल डिप्रेशन एट अ सर्टेन टाइम, ए लेवल्स का टाइम था वो, और उसमें जब मैं अगर अपने घर वालों को भी बताती थी ना, आई कम फ्रॉम अ वेरी एजुकेटेड फैमिली, फिर भी अगर मैं उन्हें कहती थी कि पहले तो मैं शेयर ही नहीं करती थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है,
बट मैं अपने यानी हस्बैंड से भी शेयर करती थी, किसी से भी शेयर करती थी, तो वो मुझे बस कहते थे नमाजें पढ़ लो, देखो अल्लाह ताला से दुआ कर लो, ये सारी चीज़ें. अल्लाह ताला इंडीड आपको हर चीज़ में मदद करते हैं, लेकिन कभी कभार आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी बॉडी के केमिकल्स आपके साथ जो है ना वो रिएक्ट कर रहे होते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है. और अपने अराउंड ज़रूर देखा करें कि किसी को अगर ज़रूरत है, कोई अगर आपका बच्चा एकदम से चुप हो रहा है, या कोई आपका बच्चा या कोई भी बंदा जो बहुत फिजिकली एक्टिव था वो उस तरह लिखा हुआ है कि आज आपको जो है ना काफी कंफ्यूजन का सामना है. आज आप जो है ना बड़े कंफ्यूज हुए हैं, आप कुछ सोच रहे हैं कि मैं ये करूँ या ना करूँ. कोई अकम्पलिशमेंट है, कोई अचीवमेंट है जो आपके आने वाली है, लाइक आपकी लाइफ में वो खड़ी हुई है कि बस आप आए और मैं आपको हग कर लूं, लेकिन आप कंफ्यूज हुए हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए. आप बैक ऑफ करने की भी सोच रहे हैं, आपने बड़ी मेहनत की है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि अगर आप इतना करीब पहुंच ही चुके हैं और आज आप इतनी मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंच ही गए, तो आज प्लीज़ बैक ऑफ ना करें. थोड़ी सी हार्डशिप आपकी लाइफ में आ जाने वाली है, कोई ऐसी हार्डशिप जो आपको आपके अचीवमेंट से जस्ट वन स्टेप अवे उससे रखा हुआ है, तो क्या करें कि जनाब आज जो है बैक ऑफ नहीं करें. अगर आप इतनी मेहनत कर चुके हैं, अपने आप को मोटिवेट करें, क्योंकि सबसे अच्छा इंसान मोटिवेटर अपने लिए खुद होता है. बिल्कुल भी बैक ऑफ नहीं करना. साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि आज आपको किसी अच्छे से इंसान के साथ जिसे आप लाइक करते हैं या जिसकी कंपनी में अच्छा फील करते हैं, उसके साथ आपको एक कॉफ़ी पीनी चाहिए और कॉफ़ी पी के उसे शेयर करना चाहिए कि आप क्या फील कर रहे हैं या आपको क्या महसूस होता है या आपकी क्या लाइफ की गोल्स हैं जो आपने आज तक किसी से शेयर नहीं किए. क्योंकि आप जब चीज़ों को शेयर करते हैं तो आपके साथ आपका जो मेंटली भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है और आपको फिजिकली भी बड़ा जो है ना इम्पैक्ट पड़ता है. साथ ही साथ एरीज को शामिल करती हूं. रोमांस चढ़ा हुआ है आपके दिमाग में, पकड़ ली मैंने आपकी बात. नहीं यार, मैं एरीज की मैं बात कर रही थी, तो आज उनके हॉरोस्कोप में लिखा हुआ था कि आज जो है ना आपके पार्टनर के साथ बड़ी रोमांटिक कन्वर्सेशन होने वाली है आपकी. साथ ही ये लिखा हुआ है जनाब, आपके जो घर लाइक आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, तो उनके साथ आज आपका बड़ा अच्छा सा दिन गुजरेगा. ये भी लिखा हुआ है कि बी अ गुड लिसनर. एरीज जो है वो बड़े इंपेशेंट हुए हैं, वो सुन नहीं रहे चीजों को कि भाई कभी कभी होता है, जनरली नेचर भी ऐसी होती है, इंपेशेंट इंपेशेंट होते हैं. अच्छा, मेरा तो एरीज से कभी इतना पाला नहीं पड़ा, लाइक आई हैड जस्ट अ वन फ्रेंड एरीज, तो उससे कभी इतनी बातचीत रही नहीं. तो उसमें लिखा हुआ है कि बड़े इंपेशेंट होते हैं. ये भी लिखा हुआ है कि जनाब आज अगर आप जो है पार्टी बाहर करना चाहते हैं, तो आज के लिए आज का दिन बड़ा जबरदस्त है. हो सकता है उस पार्टी में कोई बड़ी अमेजिंग सी भी बात हो जाए, कोई बड़ी अमेजिंग सी चीज होने वाली है. हो सकता है जनाब बिल्कुल हसीन इतफाक था ना, इतने दिन से जो आप चाह रहे थे आज होने वाला है. जनाब ये भी लिखा हुआ है कि आज आप बहुत थक जाएंगे, बड़ा स्ट्रेस फील करेंगे. अवॉइड करें कि आप जो है ओवर ईटिंग आज ना करें. अगर आप बाहर जाएं या पार्टी करें तो ओवर ईटिंग पे जरा हल्का हाथ रखें, और अगर आप कर लें तो फिर अगले दिन आप जो है ना रेडी रहे ट्रेडमिल करने के लिए. बिल्कुल. उसी के साथ साथ लिब्रा का हॉरोस्कोप जल्दी से आपके साथ शामिल करते हैं. लिब्रा आजकल एक इमोशनल टर्मोइल में चल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें, थोड़ा बहुत जो है ना कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये है कि फ्रेंड्स और फैमिली उनको बड़ा कंफ्यूज करिए. फैमिली के प्रॉब्लम्स लिब्रास को बहुत ज़्यादा वे डाउन करिए आजकल, और इसका बेहतरीन हल यह है कि आप अपने फैमिली मेंबर से कम्युनिकेट करें, क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं. उनको इनकरेज करें कि वो आपसे बात करें, लेकिन अगर आपके फैमिली मेंबर्स आपसे बात नहीं करना चाहते हैं तो नो वरीज, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते. कभी कभार लोगों को थोड़ी सी स्पेस देना ही अच्छा होता है. तो कोई आपसे अगर बात नहीं करना चाहता, टेक इट एज इट इज़ देयर चॉइस, लेकिन आप उनको फोर्स ना करें. फिर उसी के साथ साथ स्कॉर्पियोज का आज हॉरोस्कोप जो है ना, मैं थोड़ी कंफ्यूज है इस पर, क्योंकि जो स्कॉर्पियोज का हॉरोस्कोप है मुझे उस पर डाउट इसलिए हो रहा है कि कल ये लिब्रा का हॉरोस्कोप था. स्कॉर्पियोज का लिखा है कि आज आप फ्लाई हाई करें, आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा जो है ना आज वो उड़ान पर है, बिल्कुल ऊंचाई पर है. और साथ साथ ये लिखा है कि म्यूज़िक, डांस, कोई क्रिएटिव आइडियाज़, कोई राइटिंग, अगर कुछ इस तरह की जहन में आपके आ रही है तो उसको फ़ौरन जॉट डाउन कर लें, वरना आप भूल जाएंगे. ये आगे जाके आपको बहुत मदद करेगी. अगर आप बहुत बिजी हैं तो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, बैठें और आपके जो दिमाग में ये क्रिएटिव आइडियाज़ चल रहे हैं, ये इनसाइट चल रही है, इन पर ज़रा गौर करें, गौर व फिक्र करें, क्योंकि ये आपको आने वाले दिनों में बड़ा हेल्प करेंगी. उसी के साथ साथ एक्वेरियस का हॉरोस्कोप भी शेयर कर लेते हैं. एक्वेरियस जो है ना वो आजकल जो होता है ना कि मेरा पर्पस क्या है दुनिया में, मैं किस लिए आया हूँ दुनिया में, मैं क्या करूँगा, इस तरह की बातें बड़ी सोच रहे हैं. और अच्छा, ये बच्चे बचपन में बड़ा सोचते हैं ना, इनफैक्ट अपने अम्मा अब्बा से कंप्लेन भी करते हैं, आपने मुझे पैदा क्यों किया है, आपका क्या रीज़न था, ऐसा होता है ना कभी बच्चे. आपको पता है एक, पता नहीं आई डोंट रिमेम्बर ये कहाँ पे केस हुआ था, बट समबडी एक्चुअली यू नो फाइल्ड अ केस अगेंस्ट हिज पेरेंट्स फॉर हैविंग हिम बॉर्न विदाउट हिज कंसेंट. क्या सोचने का तरीका है. मैं तो सिर्फ इस बात पर कंप्लेन करती थी कि मैं आपकी शादी पे क्यों नहीं थी, क्योंकि वो जाहिर हो सकता हमें समझ नहीं आता, हम बच्चे होते कि क्या सिचुएशन. तो मैं अब आपको समझ आ गया.
हाँ वो सब कहते थे आपको मुझे लाया हुआ था, सब हमेशा यही कहते, तो मैं कहती थी क्यों। अच्छा जी, तो उसी के साथ साथ जब हम हॉरोस्कोप की बात करें तो ये जो एक्वेरियस है ना, सारी ये सोचे हम क्यों जिंदा हैं, जिंदगी का पर्पस क्या है, जिंदगी किस काम के लिए है, उसी के साथ साथ ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के जो गुजर रहे हैं, तो ये इनको ना जरा दिमाग में थोड़ा बहुत तंग कर रही है। डोंट गेट इन टू एन आर्ग्यूमेंट, कुछ बुक्स पढ़ें, वो बुक्स ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको एक जिंदगी के बारे में नई आउटलुक दें। वैसे अगर आप इस तरह की बुक्स पढ़ेंगे ना, जिस तरह हाउ टू बी अ बॉस है लिली सिंह की, और वो बहुत अच्छी बुक है इन सारी सिचुएशंस पर जिंदगी के बारे में। अच्छा, उसी के साथ साथ लिखा हुआ है कि अगर आप फ्यूचर में कोई लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हैं, लेक्चर्स देने वाले हैं, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम से जो फंसी हुई थी, देर ऑल गोइंग टू कम टुगेदर नाउ, सो यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट। पाइसिस का हॉरोस्कोप भी शामिल कर देते हैं। पाइसिस, एक कोई स्ट्रेंज सी फीलिंग जो है ना आज आपको बॉदर कर रही है, जो कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। और उसके साथ ये भी लिखा है कि आप इस बारे में ज़रा अपने ऊपर हावी ना करें, या ज़रा क्रेजी नहीं हो इस बारे में। इरिटेटिंग कोई ड्रीम है जो आपके दिमाग में बैठ गई है, लेकिन आप इसको इग्नोर करें और थोड़ा सा टाइम दे, तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। जी रेना जी, शॉर्टली मैं सोच रही हूँ आज ना एक एक लाइन में सबको बता दूँ कि सबके हॉरोस्कोप में क्या हो रहा है, क्या मिस आउट ना हो जाए, बिल्कुल कोई मिस आउट ना हो जाए। तो टॉरस के लिए लिखा हुआ है जनाब कि आज जो है आप लोग बड़ी जो है ना अटेंटिव होकर सोचें कि आपको जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उस पर बड़ा फोकस करें, क्योंकि आज आप जो है बड़े आउट ऑफ फोकस हुए हुए, अननेसेसरी एरर आज आप अपने काम में अपनी जिंदगी में करने के चांसेस हैं, तो वो आज आप मत कीजिएगा। साथ ही लियो को शामिल करते हैं। लियो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज के हॉरोस्कोप में लिखी हुई है, वो ये लिखी हुई है कि आज आपको अगर कोई रूमर्स बोल रहा है, कोई आपको जो गॉसिप्स में शामिल कर रहा है, तो वो सारी जो है ना बिल्कुल फेक होंगी, और एग्जैक्टली और ड्रीम ऑफ रियलिटी से बड़ी अपार्ट होंगी, उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी आप लोग बातों में आके जो है ना, लियोज जो स्पेशली होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, बातों में आकर ना रिएक्ट कर जाते हैं, ये मुझे पता है। तो जनाब आज आपके लिए ये है कि इसे अवॉइड करें। साथ ही साथ मैं वर्गो को भी वन लाइन में शामिल कर लेती हूँ। तो वर्गोस के लिए आज ये लिखा हुआ है कि आप जो है लग्जरी के लिए बड़ी क्रेविंग आपकी हुई है कि मैं बड़ी लग्जरी मुझे मिल जाए, और आज आप कुछ सोच रहे हैं कुछ लग्जरी का ऐसा खरीद लें। तो जनाब आप जब भी कुछ परचेज करते हैं तो उसे ध्यान से परचेज करिएगा, क्योंकि आज ये लिखा हुआ है आपके हॉरोस्कोप में कि अगर आप कुछ लग्जरियस परचेज कर लेते हैं, ज़ाहिर है लग्जरियस चीज़ें महंगी होती हैं, तो आज आपको हो सकता है रिग्रेट हो ये सोचने के, ये जब आप खरीद लें तो आपको रिग्रेट हो कि यार ये मैंने क्यों खरीद लिया। एग्जैक्टली कल जो है ना, कल ही मेरी मॉम ने ना एक स्टैंड उनको अच्छा लग रहा था लाइक पॉट्स रखने का, उन्होंने वो खरीद लिया। इट वॉज रियली एक्सपेंसिव, और जब वो लाई किचन में, जब वो किचन में लाई तो उसकी कोई जगह ही नहीं बन रही थी। नाउ शी रिग्रेट्स इट। चले कोई बात नहीं आंटी, आई होप कि आपके लिए जो है ना इवेंचुअली जगह निकले। अच्छा आपका नेफ्यू है ना? जी जी। तो मुझे तो बहुत ना छोटे बच्चों के कपड़े, छोटे बच्चों की चीजें बहुत ज्यादा, छोटे बच्चे भी मुझे बहुत ज्यादा ना, आई लव लव किड्स। लेकिन आपको छोड़ के मैं एक जगह गई थी और मुझे बहुत मजा आया था। आपको छोड़ के गई थी और मुझे बहुत मजा आया था। कहाँ गई थी मैं और मैंने किन लोगों से बात की थी, आप देखेंगे इस लिंक में, तो जाके देखिए, गो वॉच दिस। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिटिल डार्लिंग्स और जुबैदा का नया स्टोर खुला है तारिक रोड पे। यहाँ पे मेरा बेसिक एम ये है कि जानना है कि माएँ जो हैं आखिरकार वो बच्चों को किन टिप्स एंड ट्रिक्स से जो है ना वो पटाती हैं, कभी खाना खिलाने में, कभी और दूसरे तरीकों से। उसके अलावा मुझे ये भी जानना है कि जो हमारे जो पेरेंट्स थे उनमें और दूसरे पेरेंट्स जो अब मिलेनियल्स पेरेंट्स बन रहे हैं उनमें क्या फ़र्क है। खूब सारी बातें बहुत सारे लोगों से करनी, और जब बच्चों के कपड़े देखती हूँ मैं खुद इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ, बिकॉज सारे कपड़े इतने क्यूट होते हैं और यहाँ पे इतने क्यूट क्यूट बच्चे जो है ना ऑन ऑफ घूम रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई होप यू गाइस आर एक्साइटेड। तो चलिए कुछ लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। लॉन्ग टाइम नो सी। अच्छा मरियम, आप ये बताएं कि आप जब अपनी बेटी के लिए कपड़े ले रही होती हैं तो सबसे पहली चीज़ आप क्या देखती हैं? डू दे हैव टू बी क्यूट, डू दे हैव टू बी लाइक इजीली वॉशेबल, क्या देखती हैं? टू बी ऑनेस्ट, मैं तो पागल हो जाती हूँ जब मैं कपड़े देखती हूँ अपनी बच्ची के लिए। बट या ऑनेस्टली एक तो एलिमेंट आता है कि बस लाइक कोई एक वाओ फैक्टर होना चाहिए। सेकेंडली ये होता है कि फिर वो पहनने में भी ईजी हों, कहीं बटन्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, पहनाने चढ़ाने का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्वालिटी दिखनी होती है, कलर नहीं छूटेगा, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। एंड देन अब जैसे समर आ गया तो मुझे बिल्कुल होता है कि बहुत लाइट कपड़ा, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आप टाइम के साथ साथ सीखते हैं। अच्छा ये बताएं, व्हाट इज मदरहुड मीन टू यू? बिकॉज यू ऑलरेडी हैव वन किड एंड देन वन इज ऑन द वे, तो आई थिंक जब दूसरा आने वाला है ना, मदरहुड की डेफिनेशन थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है, ज़्यादा वेल डिफाइंड हो जाती है।
Motherhood is basically caring for another human that you've produced, basically, for me at least. And it is basically sacrificing most of your things. So it is not a sacrifice that you would regret, but something that you are nourishing a child, wo behtar se behtar zindagi jai guzar. आप अगर जब whenever be a mom तो आप कैसी चीजें different करेंगी? Different isn't the first thing is to adapt things ourselves. Like my friend अभी आई है तो I was learning from her like how do you do all this stuff. So she's like I don't drink cold drink, I don't take fizzy drink. So my daughter knows that there's something bad which I'm not consuming. So that's the reason you don't have to consume. Like whenever she sees a cold drink, she's like, oh mom, she's taking. Is she big enough? Like she's like that, na? So like you teach your child this way after like stopping your own self, अपने ऊपर आप patience रखकर सब कुछ रखके कि okay, I won't be doing it because my child will be seeing me as a role model. So the first person to halt and stop those things is me myself. वेलकम बैक जनाब. तो आज हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से कल जो है वो बड़ी गहमा गहमी थी. लोग जो है रमज़ान की बड़ी ज़ोरों शोरों से ख़रीदारियां कर रहे थे. ज़ाहिर है बड़ा अकीदतों वाला महीना है, बड़ी जो है ना स्पिरिचुअलिटी वाला महीना है. तो हम ये देख रहे थे कि लोग चारे की ख़रीदारी वगैरह जो अपने बर्तन हैं अपनी ग्रॉसरी है वो सब ले कर रख लेते ताकि वो इत्मीनान से इबादत करें रमज़ान के महीने में, कोई किसी किस्म की दुश्वारी ना हो. तो जनाब आज हमने ये सोचा कि हम भी ऐसा करते हैं, आपको रमज़ान की जो है आमद आमद से जो है वो इंट्रोड्यूस ही करवा देते हैं. तो जनाब आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी जो एक बिल्कुल यूनिक बड़ी बल्कि मुनफरद किस्म की जो एक ट्रांसमिशन हमारी होने जा रही है जी टीवी पे, जो कि आपको खुद लगेगा कि बड़ी डिफरेंट है. वो बिल्कुल ट्रेडिशनल वाली ट्रांसमिशन से डिफरेंट होगी, बड़ी यूनिकनेस है उसके अंदर. तो मैंने आज ये सोचा कि आज आपको इंट्रोड्यूस करवा ही देते हैं हमारे जो दो मेज़बान हैं जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बड़े मुनफरद अंदाज में इस ट्रांसमिशन को कंडक्ट करेंगे. तो सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन के मेजबान अवेस रब्बानी साहब. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बखैरियत हूं. और अच्छा आपको लोग जो है ना बड़े फैन हैं, आपकी स्पीचेस जो है बड़ी वायरल हुई हैं, उन पे हजारों लाखों व्यूज भी आए. आप क्योंकि स्पेशली मजहब के हवाले से जब आप रिलेट करते हैं मुल्क को सियासत को हर चीज में आप स्पिरिचुअलिटी डाल देते हैं, उसका एक टेस्ट ही बिल्कुल जबरदस्त सा डेवलप हो जाता है. इसमें तो जायके की बात भी है और जौक की बात भी है. जिसका जौक अच्छा होता है उसको हर चीज में जायका नजर आता है. बिल्कुल ऐसा ही है जनाब, बात जौक की. और जब जौक की बात हो रही है ना तो एक सरप्राइज भी है मेरे लिए, आप सब लोगों के लिए. आप लोग बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे क्योंकि आपकी जो एक बहुत ही प्यारी सी हमारी जी टी वी के होस्ट हैं जिन्हें आप देखते रहते हैं, जिन्हें आप जो आपसे मजे मजे की बातें करती रहती हैं उन्हें आप देखेंगे रमजान ट्रांसमिशन में. आपने गेस किया ये कौन है? मैं अकेली नजर आ रही हूँ, आपको दिख रहा होगा ना, थोड़ा थोड़ा गेस आ रहा होगा कि कौन है. जी बिल्कुल, आज हम आई जो होस्ट हैं जो रमजान ट्रांसमिशन में आपकी स्क्रीन पर मौजूद होंगी, युसरा एजाज खान. अस्सलाम वालेकुम युसरा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रेना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और मुझे बहुत अलग सा लग रहा है अब, मतलब इधर बैठना और बहुत मुश्किल होता है. वैसे कि आप वैसे चुप बैठे ना तो प्लीज़ ज़रा सब मेरे लिए तालियाँ बजाते कि मैं चुप बैठी हुई थी. बट येस इट इज़ काइंड ऑफ शो के एंड में बजा दूँगी. हाँ बस बिल्कुल. और मैं बहुत आई थिंक आई फील रियली लकी कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट करूँ और अवेस के साथ काम करने का. बिकॉज अवेस रिसेंटली आई गॉट इंट्रोड्यूस टू योर स्पीचेज और माशाल्लाह से जो आप मोटिवेशनल स्पीचेज भी देते हैं तो आई एम अ बिग फैन एंड आई होप कि इनके जो स्पीक करने का बोलने का जिस तरह अंदाज या तरीका है थोड़ा सा मतलब इधर भी ट्रांसफर हो जाए. अच्छा इन्होंने लोगों की उर्दू भी बड़ी इंप्रूव की है अपनी स्पीचेस के थ्रू, अपनी मोटिवेशनल सेशंस के थ्रू. काफ़ी जो गलत अल आम हमारी उर्दू में हो जाता है ना वो अवेस ने काफ़ी हमारे लोगों का ठीक किया. बिल्कुल बिल्कुल. एंड फॉर मी आई थिंक इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं मतलब माशाल्लाह से मेरी उर्दू आपको पता है कि थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है कहीं ना कहीं, तो अभी मैं आजकल काफ़ी काम कर रही हूँ उस पर, तो अब अवेस के साथ बड़ी काम हो जाएगी. बिल्कुल आप मुझसे बिल्कुल ठेठ उर्दू में बात करें और मैं आपसे सीख लूँगी इस तरीके से. वैसे ये बड़ा ज़बरदस्त कलीमुल्ला और सलीमुल्ला चल रहा है, दोनों होस्ट आपस में बहुत जबरदस्त अंदाज से बातें कर रहे हैं और अच्छा है. मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे पास टीम बहुत अच्छी है और जब टीम अच्छी होती है तो आप वर्ल्ड कप जीत कर आते हैं. हमारी रमजान नशरियात की टीम बहुत अच्छी है, प्रोड्यूसर्स सारे के सारे और फिर यूसरा अपनी शख्सियत में एक बहुत एक मुनफरदियत. और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर एक
कशिश भी है, मुस्कुरा के बात करना, चीजों को समझना. एंड शी इज वेरी वर्सेटाइल, बड़ी जल्दी एडजस्ट हो जाती है ये ऐसे ही माहौल के साथ. रमजान के हवाले से गैस हुए ताबेदार को और भी ताबेदार कर, होशो खिरत शिकार कर, कल्बो नजर शिकार कर, और बागे बहिश से मुझे हुक्मे सफर दिया था क्यों, कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर. यूं तो रहमतों और इनायतों का सिलसिला रजबुल मरजब से ही शुरू हो गया था, फिर शाबान मौजम में भी उसकी नवादिशें बढ़ गईं बहुत सारी, मगर रमजान एक ऐसा महीना होता है कि जिसमें हमारी अकीदत और अकीदा दोनों इन्वॉल्व बढ़ जाती है, बड़ी जो है ना वो ऐसा लगता है कि नॉर्मल डेज से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसा ही है, तो हम चाहते हैं कि उसको बहुत ही तकद्दस के साथ, एहसास के साथ मनाए. रोजा भी है और फिर बहुत सारे वाजिब अमाल भी बजा लाने हैं, तो इस नशरियात का खासा ये है कि इसमें हर चीज का ख्याल रखा गया. अच्छा, मैं आप लोगों का थोड़ा सा डिटेल्स देख रही थी, प्रोमो देख रही थी, तो बड़े डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, तो आई थिंक आप थोड़ा सा सेगमेंट्स के बारे में भी बताएं कि आपके सेगमेंट्स क्या क्या हैं रमजान के. हाँ जी बिल्कुल, इसमें कुछ चीजें बहुत ही खास हैं और वो मुनफरिद भी हैं, कुछ चीजों की जरूरत है वो हमेशा वैसे ही रहेंगी. मिसाल के तौर पर इरफान रमजान, ये अपनी जात में बड़ा एक मुनफरिद नाम है. आपको कोई भी चीज उसका अंदाजा नहीं होता जब तक आपको थोड़ा सा भी उसकी मार्फत ना हो. आप उसका, जैसे रमजान एक महीना है, खुदा ने बहुत सारे महीने दिए हैं, मगर ये बिल्कुल एक सखी इंसान की उस मिसाल के मानिंद है कि जिसमें वो आके कहे कि यार तुम मेरे पास जो है वो ले जाओ, उसके बाद कहे कि सुनो तुम्हारे पास ले जाने के लिए कुछ नहीं है तो एक सामान, एक कारवा भी मुझसे ले जाओ, बल्कि सुनो तुम कहाँ लेके जाओगे, जहाँ घर लेके जा रहे हो वो घर भी मेरी तरफ से वो ले जाओ, और फिर वो आखिर में कहे कि जो तुम नहीं मांग सकते वो भी मुझसे ले जाओ, जो मांग रहे हो वो भी तुम्हारा है. कितनी खूबसूरत, तो सारे ही महीने ऐसे हैं, मगर रमजान में उसने खास इनायतें की हैं. तो हमने ये सोचा है कि हम हर चीज की लज्जत, ज़ौक, ज़ायका डालें इश्क कुरान. अब कुरान और रमजान का एक खास रिश्ता है, बहुत खास रिश्ता है. स्पेशली लोग जो है प्लान करते हैं, डिवाइड करते हैं कुरान को कि किस तरह से हम और किस तरीके से पूरे रमजान में मतलब उसको जो है वो हिफ्ज करेंगे और पढ़ेंगे. सबसे अच्छी बात होती है कि लोगों में ना ये जस्तजू आ जाती है कि हमें सिर्फ अरबिक में कुरान पढ़ना नहीं है, हमें समझना है और अप्लाई भी करना है अपनी जिंदगी में. बिल्कुल, तो अभी इश्क कुरान के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, इस सेगमेंट में आपका क्या तफसीर होगी, तर्जुमा होगा. तुझे किताब से फुर्सत मुमकिन ही नहीं कि तू किताब ख्वाह है साहिब किताब नहीं. इस किताब से जितना जो जुड़ जाएगा उसको मार्फत मिलेगी. जब इरफान रमजान नाम है तो फिर इस किताब पे बात होगी, इसकी क़िरत के अंदाज से भी, इसके पढ़ने सुनने और इवन देखने के हवाले से भी. तो इसमें मुख्तलिफ मदारिस के और स्टूडेंट्स भी बहुत सारे आएंगे, ओपनली स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे, और हिफ्ज़ नाज़रा का मुकाबला होगा. आप देखेंगे बहुत से बच्चों को हम एक टास्क देंगे कि ये फला आयत कौन से पारे से है वो बताएगा, आयत नंबर क्या है वो बताएगा, और बाज़ा तो उसका मफहूम और तर्जुमा भी बताएगा. ये कंपटीशन है, इसको देखने में मज़ा आएगा. उसके बाद इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसमें नात खानी का, सना खानी का मुकाबला है, और मुल्क भर के बड़े ही छोटे उस्ताद जिसे आप कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, उनकी आवाज़ भी है, उम्र कम है मगर हौसले बड़े ज़्यादा हैं, और इश्क अकीदत तो सबसे ज़्यादा. जब बच्चे नाते पढ़ते हैं तो वो एक बिल्कुल क्यूट भी आपको लगता है, आपको ये लगता है कि यार कितनी खूबसूरत एक जो है ना ये चीज़ है, कि थोड़ा सा बच्चा भी होती है, बिल्कुल ऐसा ही खुशी भी महसूस होती है, और आपका भी दिल करता है कि जो आपके घर में भी बच्चा है वो भी इस तरीके से नात पढ़े. तो बातें होती रहेंगी उन सेगमेंट्स के बारे में, जो खूबसूरत सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है वो हम सुनते रहेंगे. यहाँ पर एक कॉल है, एक कॉल लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम ओवैस भाई, और आप लोग, अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र. कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मोहम्मद अशरफ, कराची से. जी क्या कहना चाहेंगे? ओवैस भाई से बात करना चाहूँ. ओवैस भाई, मैं अक्सर आपको मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बहुत हाईली डिबेट करते हुए देखता है, तो हर जगह और कुछ जगह भी देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे लगता है इस प्रोग्राम के लिहाज से आप माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे, इसलिए मैंने अभी चैनल चेंज किया तो मैंने आपको बैठे हुए देखा तो मैंने कॉल की. मैं मुख्तलिफ फॉर्म पे आपको कॉलेज या कहीं पे भी, और डिबेट जब आप करते हैं ना किसी भी मौजू पे, मुझे आपका अंदाज बोलने का हर लिहाज से बहुत प्यारा लगता है. यकीन करिए मुझे लग रहा है ये प्रोग्राम आप अगर देखेंगे लोग तो मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होगा, और प्रोग्रामों के निस्बत जिस तरह आप बता रहे मुझे. वालेकुम अस्सलाम, मैं भी अपने भाई से मुखातिब हूँ, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, और ये हुस्न समात है आपका, और मुझे यकीन है कि रमजान नशरियात में भी आपको मायूस नहीं करेंगे, जरूर देखिएगा, सबको कहिएगा, और बल्कि मैं तो कहूंगा कि आप भी पार्टिसिपेट करें अगर मुमकिन हो, ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए. बहुत शुक्रिया आपकी कॉल. बिल्कुल जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, और अगर आप शामिल होने चाहते हैं तो हमारे कंट्रोल रूम में अपना नंबर और अपना नाम भी बता दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला हम आपको भी जरूर शामिल करेंगे. बहुत शुक्रिया कॉल का. तो इससे पहले सेगमेंट्स की बात हो रही थी, नात ख्वानी की बात हो रही थी. अच्छा ये तो मुझे ये अपनी ज़ात में यही बड़ा एक मुनफरद लग रहा है कि क़िरत का कॉम्पिटिशन हम नहीं देखते हैं. नॉर्मली क़िरत हमारे इस्लाम का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है.
है. हम देखते हैं बच्चों ने कुरान तो पढ़ा हुआ है लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उसकी सही तलफ्फुज़ क्या है, सही अदायगी क्या है, कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे उसको ऊंची आवाज़ में पढ़ना है, कहाँ पे आपको उसको लंबा खींच के पढ़ना है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम रमज़ान में शायद पढ़ते तो हैं लेकिन हमें पता नहीं होता बेहतर तरीका इसका क्या होता है. तो ये एक बहुत मुनफरिद मुझे टॉपिक लग रहा है जो मैंने अभी तक देखा भी नहीं है दूसरे चैनल्स पे. आपको और भी बहुत सारे सेगमेंट्स अच्छे लगेंगे. मिसाल के तौर पर इल्म रमज़ान में हमने क्विज कॉम्पिटिशन रखा है जिसमें तारीख रमज़ान के हवाले से असकार हैं. अच्छा. बहुत से रेलिवेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे बच्चों को पता होने चाहिए और बहुत सारी ऐसी बातें जो बहुत जर्नल है मगर हमें नहीं पता. बिल्कुल वर्ड SMS की तरह के सबको पता है कि SMS एक चीज़ है मगर SMS की फुल फॉर्म क्या है नहीं पता. वो नहीं पता होती. तो बहुत सारी बातें जो हमें पता होनी चाहिए. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे लोगों के इल्म में जो है या नॉलेज में इजाफा होगा इसको देख के. कभी कभार ये होता है कि जो चीज़ हम टीवी पे देख रहे होते हैं वो ज़्यादा हमारे लिए आसान होता है अब्सॉर्ब करना रादर देन रिसर्चिंग ऑन इट. और बहुत ज़्यादा लोगों के बहुत चीज़ों के बारे में मिसकंसेप्शंस भी होते हैं या फिर इख्तलाफ राय भी होती है. कभी कभार लोग इस तरह इस्लामिक टॉपिक्स के बारे में कभी कभार एडमिट नहीं करना चाह रहे होते कि ज़रा सी कन्फ्यूजन है. तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हमारी जो रमज़ान ट्रांसमिशन है GTV की तरफ से जो आएगी उसको देख के एक आपको कम्प्लीट पैकेज मिल जाएगा कि लोग अपनी इल्म में भी इजाफा कर रहे हैं कुछ उनको कोई नई चीज़ लेकर जाएंगे. अच्छा, मैंने तो ये देखा है कि अब जो लोगों के अंदर काफ़ी अवेयरनेस अवेज भी मेरे बात से इतफाक़ करेंगे कि रमज़ान ट्रांसमिशन जब आती है और अब जो ये एक नया हमने आगाज़ किया है कि रमज़ान ट्रांसमिशन होनी चाहिए लोगों की मालूमात में बड़ा इजाफा हुआ है. लोगों को पता नहीं होता था कि क्या मतलब एक ये तो पता था कि 11 अजवाज हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेकिन उनका नाम क्या था किसी को याद नहीं है. लेकिन अब भी इंशाल्लाह ताला जो है हम भी हमारे भी सेगमेंट्स होंगे तो इंशाल्लाह ताला ये सारी जो छोटी छोटी और बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो हमारी अपनी हिस्ट्री है इस्लाम की हिस्ट्री है जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं है वो भी आई थिंक बड़ा मालूमात में इजाफा होगा. बिल्कुल ठीक कह रही हैं रनम. आप इस बात से इतफाक़ करेंगी और तमाम सुनने वाले मैं और युसरा इस बात का मुशाहिदा कर चुके हैं. दुनिया भर में पाकिस्तान को एक खासियत हासिल है चाहे वो कोई भी मजहबी त्यौहार हो या कोई भी एक खासियत वाला दिन हो पाकिस्तान उसको बहुत पुरजोश तरीके से सेलिब्रेट करता है. बिल्कुल. आप देख लें कि अगर यूँ समझ लें कि हज की तादाद हो तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी बड़ी जोश खरोश के साथ वहाँ पहुँचते हैं. इसके अलावा अयाम अज़ा हो तो मुहर्रम में तबरुकात और न्याज और मजालिस हैं. इसी तरह ईद उल अज़ा हो तो उसमें कुर्बानी सबसे बड़ी तादाद में पाकिस्तान में होती है. रमज़ानुल करीम में भी रोड इफ्तार और रोज़ों में जो जोश और जज्बा है वो पाकिस्तान में बड़ा ख़ास देखने में आता है. तो इसी तरह नशरियात भी उसका एक हिस्सा है कि उसको एक मुनफरिद अंदाज में पेश करना और लोगों तक इल्म पहुंचाना, लोगों तक आम मालूमात पहुंचाना, ये बड़ा एक क्वालिटी का काम है कि आप जो चीज़ दे रहे हैं उससे कौम को इस्तेफादा हो. और इसमें बहुत मोहतात रहना भी पड़ेगा हमें. बहुत सी नशरियात ऐसी हैं जिसमें बजाय एक ज़माना था रिनम जिसमें ड्रामे माशरे पर बनते थे. अब वो ज़माना है कि माशरे पर ड्रामा बनता है और फिर अब तीसरा जमाना ये है कि बच्चे नस्लें वैसे बनती हैं जैसे ड्रामा बनता है. नया बच्चा टीवी देख के अपने आप को अपने कल्चर को अडॉप्ट करता है. तो आप जो नशरियात प्रेजेंट कर रहे हैं हमें इस बात का अंदाजा है कि कौम उसको देखेगी और बहुत से लोग उस पे अमल पैरा भी होंगे. तो अच्छा पाकिस्तान की जब अवेस बात कर रहे थे कि पाकिस्तान हर चीज़ में नंबर वन है तो एक बात मुझे याद आ गई शायद हमारे व्यूअर्स को ये बात ना पता हो कि डोनेशंस देने में यानी कि एक दूसरे की मदद करने में माली इमदाद में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो सबसे ज़्यादा डोनेशंस देता है यानी कि माली इमदाद लोगों को फराहम करता है. तो ये कितनी एक खूबसूरत बात है. बिल्कुल हमारे मुल्क की ये एक खूबसूरती है कि शायद अल्लाह ताला की तरफ से कि कभी भी किसी भी किस्म की मुसीबत अगर हमारे मुल्क पर आती है तो हम सब अपने डिफरेंसेस आपस के भूल के बिल्कुल यू नो यूनाइट होके कंप्लीट पाकिस्तान बन जाते हैं. और रमज़ान में ऐसा होता है कि शायद अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि इस चीज़ के लिए कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती. आप जब सड़कों पे जाएं हर कोई हर किसी का ख्याल रख रहा है हर कोई हर किसी को मतलब एक एहसास या एम्पैथी जिसको कहते हैं वो लोगों में आ जाती है. बिल्कुल ऐसा ही है. एक अलग ही मतलब इन्वायरमेंट होती है. अच्छा रमज़ान की बात से मुझे याद आया कि कल ही मेरी अवेस हम मेरी अम्मी हैं मेरी अम्मी जान है आपको देख के ना बड़ी उर्दू याद आ जाती है मुझे. तो मेरी अम्मी जान कल फरमा रही थी कि रिनम आपको पता है कि रमज़ान में चीज़ों में बड़ी बरकत आ जाती है. मैंने कहा जी अम्मी ये तो है. कहती हैं आपको पता है हमारा मुल्क भी रमज़ान में बना है इसीलिए इसके अंदर इतनी बरकत है कि हर साल हुकूमत आती है वो अलग खसारे करती है. रमजान में बनने वाली चीजों को हम बड़े शौक से खाते हैं इसीलिए मुल्क के पीछे भी पड़ गए. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. लेकिन अल्लाह ताला की बरकत आप देखिए कि माशाल्लाह से इस सब के बावजूद भी हम लोग खुश हैं. और बहुत से ऐसे मसाइल जो दुनिया के दूसरे ममालिक में हैं वो पाकिस्तान में नहीं है. पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने समंदर दिया दरिया दिए पहाड़ दिए प्लेन्स दिए सहरा दिए मतलब हर मौसम. और पाकिस्तान अपनी नौइयत का वो वाहिद मुल्क है जिसके अंदर बयक वक्त हर मौसम
حسن موجود ہوتا ہے تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے اچھا تھوڑی سی سیگمنٹس کے اوپر مزید نظر ڈالیں گے ایک کال لیتی ہوں پھر ہم جو ہے دوبارہ سے سیگمنٹس پہ نظر ڈالیں گے السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم راکم بات کر رہا ہوں کراچی سے کون بات کر رہے ہیں راکم بات کر رہا ہوں جی راکم کیا کہنا چاہیں گے میں اویس بھائی سے مخاطب ہوں السلام علیکم اویس بھائی کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے وعلیکم السلام راکم میں بالکل خیریت سے ہوں آپ بتائیے جی بالکل ٹھیک ٹھاک میں نے مطلب یہ آپ کا وہاں پہ ایک پوسٹر دیکھا تھا جو کہ گلشن کی طرف میں بڑا کوئی ایکسائٹیڈ تھا آپ کو بچپن سے سنتا ہوا آ رہا ہوں آپ کو دیکھ کے میں نے بولنا سیکھا ہے اور میں بڑا کوئی ایکسائٹیڈ ہوں اور بہت شدت سے ویٹ کر رہا ہوں اور میں بھی یونیورسٹی جا رہا تھا اور میں نے جیسے ہی مطلب ویسے ہی ٹی وی آن کیا تو آپ کا چینل آ رہا تھا اس کو میں رک گیا ہمیشہ آپ کی اسپیچز سنی ہے ہمیشہ کوئی نہ کوئی میسج مجھے ملا ہے تو ابھی میں بس جانے سے پہلے یونیورسٹی چھوٹا سا میسج آپ سے لینا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی رہنمائی کرتے ہوں تو شاید آج کا دن بہت اچھا گزر جائے راکم بعض اوقات ہمارے کہے ہوئے جملے لوگوں کے لیے حوصلہ بن جاتے ہیں اور جس طرح آپ نے سیٹ کی اور پورے شو کی تعریف کی ہے آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے میں توقع رکھتا ہوں کہ شاید ہمارے بیان کردہ جملے بھی آپ کی حوصلہ افزائی والے بن جائیں جو انسان دوسروں کو موٹیویٹ کرتا ہے وہ اپنی لائف میں بڑا موٹیویٹڈ ہوتا ہے یقیناً الیکٹرک سٹی جہاں سے آتی ہے وہ پاور ہاؤس ہی ہوتا ہے تو اگر آپ ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ بہت موٹیویٹڈ انسان ہیں خدا کرے کہ آپ کامیابی کے ساتھ پورا دن گزاریں اور بلکہ پوری زندگی گزاریں اور آمادہ ہو جائیں رمضان کے لیے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس پہ ہم شعبان سے رجب سے تیاری شروع کر دیتے ہیں اچھی لگی آپ کی کال بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ راکم آپ کو اور بڑی خوبصورت یہ باتیں کر رہے تھے کہ جناب بڑا ایکسائٹیڈ ہوں میں اور مجھے کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا اور بچپن سے سنتے آ رہے ہیں وہ تو میں تھوڑی سی اس بات پہ بھی روشنی ڈالوں گی کہ آپ بچپن سے ان کو سنتے آ رہے ہیں تو یہ اویس صاحب کی عمر کیا ہے ذرا پتہ لگائیں گے نا تھوڑا سا اس کو لائٹر نوٹ پہ رکھتے ہیں کہ یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں یہاں میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا ایک جسٹ ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک دیکھتے رہیے جی اٹھا پاکستان ویلکم بیک جناب بریک سے واپس آ چکے ہیں بریک سے پہلے بڑے لائٹر موڈ پہ باتیں ہو رہی تھیں یہاں پہ تھوڑی سی نا انٹرسٹنگ قسم کی بھی باتیں ہو رہی تھیں تھوڑی مومنٹس کو بھی آ گئی تھیں تو بات ہماری سلسلہ جاری تھا کہ سیگمنٹس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ سیگمنٹس بڑے انفارمیٹیو ہیں ان فیکٹ میں ابھی آفر جب اویس سے اور یوسرا سے بات کر رہی تھی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ کافی سارے ایسے بھی سیگمنٹس ہیں جن میں آپ کے گھر اگر بچے موجود ہیں اور اگر وہ انٹرسٹیڈ ہیں یعنی کہ ڈبیٹس میں نعت خوانی میں قرأت کمپٹیشن میں یا کوئز کمپٹیشن میں تو وہ ابھی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں نمبرز ہماری اسکرین پہ چل رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں تو آپ ان نمبرز پہ کال کر سکتے ہیں اور انہیں رجسٹر کروا سکتے ہیں ان کا آڈیشن ہوگا اور وہ کلیئر کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور شامل کریں گے بات کر رہے تھے اویس سے بات ہو رہی تھی کہ ہمارے یہاں جب علماء اکرام سے باتیں ہوتی ہیں تو بڑے کنفلکٹس ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور بڑا جو ہے نا کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے اویس کہ بڑا پلانٹڈ قسم کا ہوتا ہے کہ یار آپس میں آپ لڑیں اور ایک دم وہ ہو جائیں جوشیلے ہو جائیں تو آپ کا کیا خیال ہے از اٹ فائن اور عرفان رمضان میں ہم کس طریقے سے اس کو لے کے چلیں گے آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے ہماری نشریات میں ہم خاص طور پہ اس پہ توجہ دے رہے ہیں کہ ایسا کوئی بھی موقع نہ آئے کہ جس میں ہم ایک شو کریٹ کریں اور صرف اپنی ریٹنگز کے لیے علماء کرام کو لڑوا دیں یا اس چیز سے ہم جتنا پرہیز کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے کیونکہ ان ٹی وی نشریات کو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر قص و ناقص تک وہ پہنچ رہی ہوتی ہے اور اس کا بڑا اچھا ریئیکشن آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یعنی جو علماء کرام جس انداز سے وہ بیان کریں گے لوگ اس کو کاپی کریں گے اس حوالے سے ہم نے جن لوگوں کو دعوت دی ہے وہ بھی بڑے پروفیشنل لوگ ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں جتنے بھی مہمان کرام ہمارے پاس آ رہے ہیں رمضان نشریات میں بڑے پائے کے علماء ہیں عالم دین ہیں اور ثنا خان بھی ایون بہت زبردست اور لیجیٹمیٹ ہیں ماشاءاللہ سے اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافی فیمس جو اب تک رمضان ٹرانسمیشنز آئی ہیں اس میں ہوسٹ خود پرووک کر رہے ہوتے ہیں انہیں باقاعدہ اکسا رہے ہوتے ہیں کہ آپ آپس میں لڑائی کریٹ ہو جائے نہیں بھی ہو رہی ہوتی ہے میں نے خود یہ دیکھا آئی تھنک جی ٹی وی کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اس لیے کیونکہ رمضان ٹرانسمیشن تو ظاہر ہے میرا تو پہلا ایکسپیرینس ہے لیکن اس سے پہلے بھی جب جی اٹھا پاکستان پہ اس طرح ہوتا تھا کہ ہم فرائیڈے کا اپنا شو ایسا رکھتے تھے کہ ہم ایک اسلامی ٹاپک چوز کر لیتے تھے اور ہم اس پہ بات کرتے تھے اور میں بالکل اس طرح کے سوال کری ہوتی تھی جیسے کہ آئی ایم اے لے مین اور میں
चाहती थी, मैं भी सवाल करती थी जो मेरे दिल में सवाल होते थे, हमारे कॉलर्स भी ऐसे सवाल करते थे, लेकिन हम हमेशा एक बैलेंस मेंटेन करके रखते थे कि किसी का सेंटिमेंट ना हर्ट हो. और ये जी टी वी ने ये जो न्यूट्रैलिटी और ये बैलेंस है वो मेंटेन करके रखा, क्योंकि हमारी नशरियात का जो भी पर्पस तो यही है कि किसी की मदद हो, किसी की नॉलेज में इजाफा हो. और मतलब कुछ जब कोई बंदा टी वी देख रहा है तो वो कुछ लेकर जाए, कोई पॉजिटिव मैसेज लेकर जाए. अल्लामा इकबाल का शेर है, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही. तो हमने जब इरफान रमज़ान नाम रखा है तो हमें इरफानियत और ख़ास तौर पर रूहानियत की बात करनी है, रहमानियत की बात करनी है. शैतानियत का बिल्कुल भी सेंसर नहीं होना चाहिए. हमारी कोशिश ये है कि असल में अपनी रूह को बेदार करें. रिनम एक महावरतन कहा जाता है समझाने के लिए, एक कब्रिस्तान में यूसरा एक बुज़ुर्ग खड़े हुए थे, एक मुर्दे को दफना रहे थे बहुत से लोग मिल के. तो एक नौजवान से बुज़ुर्ग ने सवाल किया, मियाँ ये बताओ कि अगर ये मुर्दा इस वक्त जाग जाए तो ये सबसे पहले क्या करेगा? तो नौजवान ने कहा, सबसे पहले जब ये जाग जाएगा तो इस्तग़फ़ार करेगा, ये वो नेक काम करेगा जिससे खुदा राज़ी हो जाए, गुनाह नहीं करेगा. तो बुज़ुर्ग ने मुस्कुरा के कहा, ये तो नहीं जागने वाला, तुम जिंदा हो, तुम्हें मौका है, तुम ये काम कर लो. कितनी गहरी और खूबसूरत बात है. बस रमजान ये उसी मौके का नाम है, ये उसी अपॉर्चुनिटी का नाम है. अगर हम इसको रेटिंग्स और शैतानियत में जाया कर देंगे तो फिर हम अपना नुकसान तो करेंगे और फिर आगे जाके खुदा ताला को भी मुंह दिखाना है, जब वो आगे हमसे पूछेंगे कि आपको इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिया गया था, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और एक मौका दिया गया था. मेरे लिए तो मैं आई टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने ही मज़हब को डीपली एक्सप्लोर खुद भी करूं. तो जब आपको ये मौका दिया गया था और बहुत सारे ऐसे लोग थे, आपको इस पोजीशन पे डाला गया था कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करें और आप लोगों को बताएं कि एक ट्रेंड सेट करें, तो आपने उसका क्या किया? तो हम आगे जाके ये अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं जी हमारे तो चैनल की रेटिंग बहुत आई थी और हमने ये और कुछ अनएथिकल चीज़ें भी कर जाते हैं लोग इस तरह. और हमारा ये मानना है कि रेटिंग्स आएंगी, लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरी चीज़ें देखते हैं, अच्छी चीज़ों को देखने वाले लोग बेताब हैं. ये तो हमने ऐसा मयार बना दिया कि जी बुरा देंगे तो बुरा देखेंगे. बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये वाली चीज़ क्यों नहीं चल रही, ये से चलाएं. हमारा एक सेगमेंट है यूसरा, इसके बारे में बात करने लगी है. लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा चैनल हो जो यार बेहतर तरीके से बात कर रहा हो, जो सही बात बता रहा हो, जिसपे इस तरह की लड़ाइयाँ ना हो. लोग इस चीज की खोज में. और शायद यही वजह है कि इस ये तीसरा साल है कि हम रमजान नशरियात में बजाते खुद कर रहा हूँ, लोग मुतमईन हैं, पसंद करते हैं. बूझो तो जानो एक सेगमेंट है हमारा जिसमें हम एक मजहबी शख्सियत को एक्चुअली सोचेंगे और 10 सवालों का ऑप्शन आपके पास होगा. अगर उन 10 सवालों में आप जान गए, आपने बूझ लिया कि वो कौन सी शख्सियत है, तो हम आपको इनाम देंगे और ये लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा होगा इंशाल्लाह. अच्छा, इसमें ओवेस मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ क्या? अगर आप भूल सकें तो आप बिल्कुल. मैं तो इंशाल्लाह ज़रा जो है ना, मैं आज ही रजिस्टर करवाऊंगी अपने आप को, मैं भी इस सेगमेंट में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ. तो सेगमेंट्स की जब बात हो रही थी तो बात ये हो रही थी, बच्चों से बात शुरू हुई थी ना कि बच्चे नात पढ़ते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं. उस सेगमेंट पर थोड़ी सी रोशनी डाली क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि इसमें शामिल हों. नातों के ऊपर हम बात करते हैं. बिल्कुल, बल्कि मैं चाहूंगी कि ओवेस सबसे पहले तो ना आप सारे हमारे देखने वालों को, एकदम से मेरे अंदर की होश जाग गई, आप सारे देखने वालों को ये जरूर बता दें कि अगर वो चाहते हैं या अगर कोई बच्चा हमें देख रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा टाइम भी गुजर है कि फिर समर वेकेशन भी करीब करीब और अभी तो बच्चे भी सारे घर पे हैं, सबकी वेकेशन है, तो वो अगर आना चाहें, हमारी नशरियात का पार्ट बनना चाहें तो कैसे बन सकते हैं? मेरे ख्याल यूसरा इस बात को बता चुकी है कि टेलीविजन पे एक नंबर चल रहा है और वो उसको फॉलो अप करें, इसी वक्त कॉल करें. याद रखिएगा, इश्क नबी के लिए लफ्ज जब तक वुजू नहीं करते हम उनकी गुफ्तगू नहीं करते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इश्क नबी के लिए आवाज का होना जरूरी नहीं है, अकीदे का, इश्क का, अंदाज का होना जरूरी है. नात खास तौर पे जुमलों की मोहताज नहीं होती, आवाज की मोहताज नहीं होती, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए. तो अगर आपके पास वो चीज है आप जरूर ऑडिशन दें. हमारी कोशिश होगी कि आप स्क्रीन पर आएं और इसके मुनफरिद अंदाज में अपने आप को पेश करें. अच्छा, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो है ना पहला रोजा रखते हैं, उनकी जो है ना उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि उनका भी रोजा टीवी पे खुले. तो आप लोगों ने कुछ ऐसा बंदोबस्त किया है कि जो बच्चे नया रोजा रख रहे हैं उनके लिए कोई है आप लोगों के पास सेगमेंट है? हाँ जी, जी टीवी ने इसका खास इंतजाम किया है. रोजा खुशाई के सेगमेंट में बच्चों को इनामात भी मिलेंगे और उनका रोजा भी खुलेगा और दुआ भी करवाएंगे परवरदिगार पहले रोजे को जिंदगी के आखिरी लम्हे तक लेके जाए. अक्सर ये होता है कि चीजें इनोग्रेट होती हैं उसके बाद, मिसाल के तौर पे प्लांटेशन है जी, पौधा लगा दिया उसके बाद पानी देना ही भूल गए, मगर इसकी आबियारी की जिम्मेदारी हमारी होगी. जो पहला रोजा खोलेंगे हम उससे हर साल सवाल पूछेंगे और हमारी कोशिश होगी जब तक जी टी वी की रमजान नशरियात होती रहे हमको बुलाएं और पूछें कि आज आपको कितने अरसा हो गया है और कितने रोजे हो चुके हैं. तो बिल्कुल ऐसा ही है, रोजा कशाई का एहतमाम भी है. साथ साथ दास्तान रमजान में छोटे छोटे बच्चे आपको वो कसाइस, वो कहानियां, अच्छा, और वो हिकायतें सुनाते हुए नजर आएंगे अपने प्यारे से अंदाज में, अपने मन भरे अंदाज में,
और ये भी बड़ा एक प्यारा सा सेगमेंट होगा। बिल्कुल, ये तो देख एक सुन के ही मुझे बड़ी मजेदार और बड़ी क्यूट और खूबसूरत चीज लग रही है कि बच्चे खुद अपने जो है वो किस्से जो है राम के वो बता रहे होंगे। अच्छा, आजकल पता क्या होता है, बच्चों को वैसे ही बुक्स में इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे भागते हैं पढ़ाई से, उन्हें इंटरनेट पे चीजें चाहिए, उन्हें हर चीज का शॉर्टकट चाहिए। तो आई थिंक अब वो वक्त आ गया है कि हमें अपने बच्चों को थोड़ा सा प्रोवोक करना चाहिए, थोड़ा सा उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि वो थोड़ा सा इस्लाम की हिस्ट्री को भी जाने। और आई थिंक मुझे यहाँ पे अगर साइकोलॉजी के हवाले से भी थोड़ी सी बात करें ना, साइकोलॉजी में एक टर्म होती है रोल मॉडलिंग। उसमें ये बच्चों की ना एक नेचर होती है जिसको हम इंग्लिश में टर्म अगर करें तो होता है मंकी सी मंकी डू। तो यानी कि जो चीज़ वो देख रहे होते हैं कि अगर एक 3-year-old 4-year-old है और वो देख रहे हैं ना कि 3 साल का 4 साल का बच्चा है और उसका इंटरेस्ट है और वो अपने रिलीजन के बारे में बात कर रहा है, अपने मज़हब के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, या वो मतलब यू नो इंटरेस्टेड है और वो इस तरह से टीवी पर आके चीज़ें बयान कर रहा है, कुछ समझा रहा है लोगों को। अच्छा, इसको हम उर्दू में कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ लेता है, हमारी उर्दू की ना ये वाला मुहावरा मंकी सी मंकी डू और खरबूजे देखे खरबूजा रंग पकड़े थे। बिल्कुल, तो बच्चे ये जब चीजें देखते हैं तो वो जो देखने वाले बच्चे होंगे ना उन पे भी मेरे ख्याल से बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। थोड़ी बहुत माँ बाप की वालदेन की मुश्किल भी आसान हो जाएगी। आजकल के दौर में बड़ा मुश्किल होता है कि बच्चों को स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा हमने दे दिया कि उनको बिठाना बड़ा मुश्किल होता है कि बैठें, और वो कॉन्सेप्ट तो अब चला ही गया है कि दादी और नानी जो है वो बैठी हुई हैं और वो बता रही हैं आपको कुछ और आपकी उसमें नसीहत भी हो रही है। तो ये जरा कल्चर अगर हम किसी को देखे हमें देखे शायद अगर किसी के घर में इस तरह का कल्चर की जब हम बात करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि अगर वो इस्लाम से अपने बच्चों को क्लोज करेंगे तो शायद वो उनके बच्चे बड़े जो है वो शायद स्टडी से हट जाएंगे या कुछ ऐसे हो जाएंगे कि उन्हें लगेगा कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ पूरा पूरा चले जाएंगे। तो मैं ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इस्लाम जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। आप देखिए हमारे जितने भी रोल मॉडल्स हैं, हमारे इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जिसने विमेन को यानी कि औरत को अप्रेशन से निकाल के उसे एक मकाम दिलाया। इस्लाम ही वो मज़हब है जिसने औरत को मकाम दिलाया। आज हम क्या देखते हैं हमारे ड्रामा सीरियल्स में, हमारे मीडिया पर, हर दूसरे जो है चैनल पर ड्रामे में दबाया जा रहा है औरत को, उसकी किरदार शिकनी की जा रही है, उसे जो है ना दोबारा से वही सब कुछ दिखाया जा रहा है कि बेटी पैदा हो गई है तो बड़ा मसला हो गया और जो है वो किसी से दिखाने नहीं जा रहे। तो इस्लाम को अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि इस्लाम ही वो मज़हब था जिसने जो है औरत को उसका सही मुकाम दिलाया। साथ ही साथ यहाँ पर एक कॉल भी आ चुकी है, तो लेंगे। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है रीनम? ठीक ठाक है? इरफान कामिल बात कर रहा हूं। ठीक ठाक इरफान साहब, कैसे हैं आप? आप सुनाइए भाई, खैर खैरियत से हैं? ठीक ठाक। हमारी ट्रांसमिशन का नाम भी आपको पता है, इरफान रमजान है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने असल में देखा, मैं एग्जैक्टली अभी स्ट्रीमिंग देख रहा था तो उस पे नजर आए उवैस साहब और माशाल्लाह युसरा नजर आई, तो वैसे ही बहुत खूबसूरत लगा सब कुछ के माशाल्लाह आप लोग इतना अच्छा प्रोग्राम करने जा रहे हैं रमजान के अंदर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला, मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला इसको बहुत कामयाब करे। और बिल्कुल सही कहा उवैस ने कि वाकई ये जो रमजान का जो प्रोग्राम है एक्चुअली ये एक डिलीवरी प्रोसेस है। बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि ये आपको नेक्स्ट रमजान तक याद रहे कि आपने डिलीवर क्या किया था। जी, और ये जो डिलीवरी ये बड़े मायने रखती है। और ये बिल्कुल सही अभी युसरा कह रही थी कि ये बाद में आपसे पूछा जाएगा कि हमने तुम्हें बोलने की सतात दी थी तो तुमने क्या अपना फर्ज पूरा किया, हमने तुम्हें डिलीवर करने की सतात दी थी वो तुमने प्रॉपर डिलीवर किया, अगर खामोश रहे तो क्यों रहे, हक के लिए क्यों नहीं बोले। बिल्कुल। तो बात ये है कि बहुत सारे चैनल बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे, बहुत सारे चैनल बहुत सारे लोग करेंगे, लेकिन मेरी तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला आप लोगों को वो करने की तौफीक अता फरमाए जिसके लिए बाद में भी आप सुरखरू हों। दुनिया में तो अल्लाह ताला की मकाम नहीं देता है, हम लोग शायद हर चीज का बदला हमें इस दुनिया में मिल जाता है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट बदला है वो बाद में मिलेगा हमें। और अगर वो हमें प्रॉपर मिल गया तो ये यकीन जानिए कि आपकी दुनिया की मेहनत वसूल हो गई। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया इरफान कामिल साहब। इरफान आप बहुत अच्छा कह रहे थे, और यहाँ मैं एक बात को अखज़ करना चाहूँगा और वो बहुत ज़बरदस्त बात है अगर हम समझ गए। रिनम, आपने बात की है, हम जितना भी दीन जानते हैं हम पे वाजिब है कि हम दूसरों को उतना तो सिखाएं। बेशक बेशक। एक बड़ी नेगेटिव बात है मगर शायद कहने से पॉजिटिव हो जाए और वो जाविया बदल जाए। अब अगर कोई भी इंसान जिसको ए आता है और बी आता है मगर सी डी नहीं आता, वो किसी छोटे को जिसको ए बी भी नहीं आता वो ए और बी बताए तो क्या ये गलत है? बहुत सारे चैनल्स पे या बहुत सारे मकामात पर बहुत से लोग जिनको थोड़ा बहुत आता है वो डिलीवर कर रहे होते हैं, हम क्रिटिसाइज करते हैं जी ये आपका काम नहीं है आप ना डिलीवर करें, हम बजाय ये कि उनकी हौसला अफजाई करें कि चलो 11 माह ना सही, 1 माह कोई इंसान बना है। मैं इसको इस तरह देखता हूँ, इसी तरह
आपने देखा है बहुत से लोग 11 महीने बिल्कुल इबादत से दूर रहते हैं, मगर रमजान आता है तो फौरन से आगे अच्छा, आगे पहुंचते हैं। यहाँ पे ना मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन हमारी सोसाइटी में एक जो चीज प्रैक्टिस काफी ज्यादा होती है जो नहीं होनी चाहिए ना, वो लेबलिंग का कल्चर भी है कि अगर कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो कि रमजान ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, इन चीजों का शिकार हुए हैं कि आप जाहिर है एक पर्सनालिटी, एक आपका ऑरा है, आप वो लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर आप रमजान ट्रांसमिशन में बैठे हैं तो सेलिब्रिटी से निकल कर, होस्ट और एंकर और इन तमाम चीजों से निकल कर, काफी दफा इसरा ऐसा होता है कि नॉर्मल इंसान अगर इबादत करने जा रहा है, लेट्स सपोज वो मस्जिद जा रहा है, हम क्रिटिसाइज ना करें कि वो आप तो जी बाद ही टोपी लग गई और ये हो गया, नो वी शुड अप्रिशिएट कि 11 महीने नहीं किया, इस महीने कर रहे हो, इट्स गुड, खुदा से दुआ है और तुम्हें वो तौफीक मिले कि तुम बारहा करते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मजाक मजाक में लोग ये भी कहते हैं ना, रमजान के मुसलमान देखो भाई, ये तो रमजान के मुसलमान हैं भैया, कम से कम सपोर्ट करें, मोटिवेट करें कि एक महीने से क्या पता अल्लाह ताला उनके एक ही माह से इतना खुश हो जाए, इतना खुश हो जाए कि उनको बोले यार जाओ तुम्हें जन्नत नसीब कर दी, कितनी खूबसूरत बात है। आप लोग भी, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एक महीने भी इबादत नहीं करते, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि वो एक महीने में कहते हैं यार 11 माह नहीं की तो इस एक माह में क्या कर लेंगे। यही तो बात है कि अल्लाह को आपकी कौन सी अदा पसंद आ जाए, आपकी कौन सी चीज पसंद आ जाए, वो आप नहीं जानते। और मैं इसलिए कहती हूं वो तो आपको ओपनली प्लेटफॉर्म दे रहा है, कह रहा है कि 12 महीने मेरी इबादत करो, उसने तो पैदा इसलिए किया कि हम इबादत करें। नहीं जी 12 महीने नहीं कर सके, 11 महीने नहीं कर सके, वो कहता है जी एक महीने करो, एक महीने तो कर लो। अच्छा जी एक महीना नहीं कर सके, बात जरा समझिएगा, बहुत हसास बात है, एक महीना नहीं कर सके, हालांकि 11 महीने कहा और एक महीने कहा। अच्छा ठीक है 11 महीने नहीं कर सके, एक महीना नहीं कर सके, 10 दिन कर लो, एक अशरा रहमत का है, एक अशरा मगफिरत का है, एक निजात का है। नहीं जी 10 दिन भी नहीं हो पाई, फिर वो एक रात है, फिर वो कहता है एक रात कर लो, हजारों रातों से बढ़कर है वो रात, तो कितनी अपॉर्चुनिटी वो दे रहा है और हम क्या कर रहे हैं क्रिटिसाइज। अच्छा इससे हमें ये भी रियलाइज होता है कि खुदा ताला को कभी कभार ना लोग अल्लाह ताला को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि हमें अल्लाह ताला से डरना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला रहमत बरसाने वाले भी तो हैं, अल्लाह ताला मदद करने वाले भी तो हैं, अल्लाह ताला माफ करने वाले भी तो हैं। और रमजान का ये जो महीना होता है, जब हम देख रहे होते हैं ना कि अलग अलग किस्म के लोग जो कि शायद नॉर्मली नमाज नहीं पढ़े, नॉर्मली शायद इस तरीके से रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं करे जिस तरीके का हमें कहा गया, जब वो कर रहे होते हैं तो उससे अल्लाह ताला की जो कहते हैं ना कि कुर्बत हासिल होती है, मार्फत हासिल होती है। आपकी बात कितनी प्यारी है कि कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह से डर आपको दूर कर देता है। नहीं, हजरत अली करमुल्ला वो जो फरमा रहे हैं कि जिससे आप दुनिया में डरें, जिस जिस से भी, उससे आप दूर हो जाते हैं, मगर अल्लाह से जब आप डरते हैं तो करीब हो जाते हैं। तो ये खौफ तो आपके अंदर अताज लेकर आता है, फरमाबरदारी लेकर आता है, आपके सामने आजजी और इंकिसारी का पहलू खोलता है। हमें डरना भी है और हमें दूसरों को डराना नहीं है बल्कि करीब करना है, खुद डरना है और दूसरों को डरने से बचाना है। यानी ये नहीं कहना कि भाई ओ दीन को हाथ मत लगाना, बड़ा खौफनाक काम है। नहीं, मोहतात रहो, पाको नफ्स को, तस्किया करो अपने, मगर आओ दीन की तरफ। इसलिए तो कह रहे हैं ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, कोई डंडे लेके नहीं घूम रहा। हाँ, आपको आसान तरीके से बयान करना है और ये काम इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, नहीं कर पाए तो आपकी दुआएं, परवरदिगार चाहे कि हम जितने भी हैं सबके सब जहां जहां ट्रांसमिशन हो रही है या जहां जहां इबादतों का सिलसिला जारी है वहाँ इस्लाह हो कौम की और माशरे की। नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि जो दोनों हमारे होस्ट हैं, अवैस रब्बानी साहब और युसरा, दोनों जो है ना ऐसे हैं कि एम्पथाइज करते हैं, समझते हैं, क्योंकि काफ़ी दफ़ा मैं ये देखती हूँ अवैस कि अब जो उलमा इकराम हैं वो चाहते हैं ना कि आप डायरेक्टली एक मॉडर्न लाइफ से निकल के, लाइक आप ऑफिस छोड़ के, भाई कोई है वो क्लीन शेव रख रहा है, वो नहीं दाढ़ी कैरी कर पाता है, तो उसको फोर्स करेंगे कि आप उनको ये फोर्स करेंगे कि नहीं आप पहले दाढ़ी रखें, नहीं आप तो शलवार कमीज़ पहना करें। छोटी सी बात है, तो ये दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं है, सबसे पहली तो बात यह। और दूसरी चीज़ ये कि हमारा मजहब इतना खूबसूरत है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि इस्लाम हमें बैलेंस करना सिखाता है। इस्लाम में कभी भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप सिर्फ दीन की तरफ जाएं और दुनिया को भूल जाएं। अगर आप कुरान मजीद को पढ़ें और समझें तो आपको ये समझ आएगा कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशंस भी मेंशन है, किस तरीके से एक स्टेट को आपको रूल करना है वो भी मेंशन है, कब आपको अपने जैसे घर वालों को, कब आपको रिलेटिव्स के घर जाना है, क्या जिंदगी के एथिक्स क्या हैं, ये सारी चीजें, एक चचा का रिश्ता क्या होता है, एक माँ का रिश्ता क्या होता है, ये सारी चीजें। मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं इख्तलाफ करूँ थोड़ा सा, वो भी एक हुस्न होता है।
ये दाढ़ी और ये सब वाजिबात हैं, जो जो चीज़ें हैं वो हैं और हमें उसका हक अदा करना है, और हम कोई नहीं होते उसके खिलाफ बोलने वाले, बल्कि ये तकद्दुसात हैं। मगर हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि उसको बेहतर अंदाज में पेश करें, किसी पे थोपे नहीं। बिल्कुल, और यहाँ पे मेरे अपने विजन को ब्रॉड रखें, नैरो डाउन ना करें चीज़ों पे। जरा अगर आप ब्रॉड विजन के साथ आएंगे, जरा होलिस्टिक अप्रोच रखेंगे ना, तो मेरे ख्याल से हमें जो टॉलरेंस है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, हम दूसरे को भी फिर इंसान समझ। बिल्कुल ऐसे ही, और मेरा जो पॉइंट था बेसिक वो यही था कि हम पहले ही उलमा इकराम इतना डरा देते हैं। अब एक लड़का है वो बिल्कुल मॉडर्न लाइफ गुजार रहा है, उसको अचानक से कहते हैं बस अब तुम ये कपड़े पहनना छोड़ दो, अब तो तुम दाढ़ी रख लो, अब तो तुम हमारा माशरा एक तो खौफ अपने आप पर तारी कर लेता है। हमने एक देखिए, अगर आपको दूध लेना है तो आप दूध वाले के पास जाएंगे ना, आपने दही लेनी है तब आप दूध वाले के पास जाएंगे, आपने जूते लेने हैं, आपने महंगे कपड़े लेने हैं, आप सब्जी वाले के पास तो नहीं जाएंगे। हमने गलत लोगों से दीन जब से लेना शुरू किया है, जो ढोंग करते हैं, जो तमाशा करते हैं, जो मौसमी आलिम बन के आ जाते हैं, ये बहुत सही टर्मिनोलॉजी यूज किया, बचना पड़ेगा। जय्यद उलमा कराम और मशायख की नशिस्त में बैठना पड़ेगा, जिसको कोई इसका गाइड करने वाला नहीं होता फिर शैतान उसको गाइड करता है। और मेरे ख्याल से थोड़ी सी गौर व फिक्र भी यहाँ पे जरूरी होती है, जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हम एग्जांपल लें, तो उन्होंने भी तो गौर व फिक्र की, उन्होंने भी तो वो कहते हैं ना रैशनलाइजेशन की, और फिर उनको पता चला कि भाई सन है तो वो मेरा खुदा नहीं हो सकता, सूरज मेरा खुदा नहीं हो सकता, चांद मेरा खुदा नहीं हो सकता। ये जस्तजू भी होनी चाहिए अपने अंदर। और इनफैक्ट आज के दौर में भी कहीं ना कहीं हम इन चीजों में फंसे हुए हैं। यहाँ पर एक कॉल है, देखते हैं कौन हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं फातिमा बात कर रही हूँ, हैदराबाद से। जी फातिमा, क्या कहना चाहेंगी? मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देख रही थी, माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातों पे मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग शॉर्टकट बता रहे हैं कि पूरे रमजान पूरे साल अगर कोई मतलब बेईमानी से चोरी जखीरा अंदोजी करे और कुछ भी गुनाह करे और रमजान के एक महीने से और वो भी कम करके एक रात में इबादत कर ले तो क्या उसके जारे नहीं? फातिमा देखिए, बात का मकसद ये है कि आज के दौर में लोग जहाँ इतना मुनहरिफ हैं, इतना दूर हैं इस्लाम से, अगर वो सिर्फ एक महीना भी कर लेते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है सिर्फ एक महीना करें, लेकिन ऐसे लोग हैं जिन्हें पूरा साल वो क्लेम करते हैं कि भाई वक्त नहीं मिला। लोग खुदा के लिए क्लेम कर रहे हैं, अल्लाह ताला के लिए क्लेम कर रहे हैं कि हमें वक्त नहीं मिला, तो अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि चलो 11 माह ना सही, एक महीना आ जाओ। फिर अगर आप एक महीने भी कहते हैं कि भाई एक महीना भी नहीं है हमारे पास, भाई बड़े बिजी हैं हम, ऑफिस है, फैमिली है, ये वो, तो अल्लाह ताला कहता है यार सिर्फ 10 दिन ही आप जो है आप मेरे पास आ जाएं। तो आई थिंक फातिमा का सवाल भी बड़ा अच्छा और आपने अच्छा वजाहत कर दी। फातिमा आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और आपने एक जज्बे का इजहार किया है कि क्या हम मुसलमानों को मुसलसल इबादत से रोककर शॉर्ट फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। अच्छा सवाल है और सवाल पूछने से इल्म पहुंचता है। हम हर किसी नहीं कह रहे, हम तो उसकी जोदो सखा की बात कर रहे हैं कि रब कितना करीम है कि वो तो बख्शिश के बहाने दे रहा है, हम पे तो वाजिब है कि हम 12 के 12 महीने तकद्दुस और खुलूस के साथ अकीदत के साथ मनाएं, मगर वो कितना करीम है कि वो अपॉर्चुनिटीज पे अपॉर्चुनिटीज देता जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे आप एक हालत नजा में इंसान से कहते हैं कि कलमा पढ़ लो, हर किसी मकसद नहीं कि जिंदगी गुनाह में गुजार दो, मगर उस वक्त तो पढ़ लो, उस वक्त तो तौबा कर लो। तो आई होप कि हम इसको अदा करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक लोगों को थोड़ी सी मिसकंसेप्शन हो जाती है। इनफैक्ट ये तो मेरे बचपन का भी किस्सा है कि पहले मेरी अम्मी भी बताती हैं, मेरी नानी भी बताती हैं कि पहले जो नमाजें आई थी तो वो आई सबसे पहले 50 आई थिंक डेली में आपको 50 नमाजें पढ़नी होती थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से कहा कि ये बहुत ज़्यादा है अल्लाह ताला, मेरे बंदे मेरी कौम कैसे नहीं कर पाएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर अल्लाह ताला ने कहा अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने उसको मजीद 5 कम कर दिया। फिर नबी करीम ने बोला नहीं अल्लाह ताला अभी भी बहुत ज़्यादा है। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें और कम कर दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला अल्लाह ताला अभी भी बहुत ज़्यादा है। फिर जब ऐसे होते होते 5 पे पहुँची तो अल्लाह ताला ने पूछा अब बताओ अब ये भी क्या ज़्यादा है, तो नबी करीम ने बोला नहीं बस अब ठीक है, ये ऐसी एक तादाद है जो मेरे बंदे जो आपके बंदे अल्लाह ताला के बंदे हैं वो बआसानी कबूल कर लेंगे। तो ये तो हम शॉर्टकट आई थिंक बात नहीं कर रहे, हम यही बात कर रहे हैं कि आपसे इतनी नमाजें ना हो सकें तो आप इतनी पढ़ लें। अगर आप तमाम जो 5 वक्त में पूरी नमाजें नहीं पढ़ सकते, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि कम अज़ कम आप फ़र्ज तो अदा कर दें, आपको जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए चलें, आप नवाफिल लंबे लंबे आप नहीं पढ़ सकते, आपका ऑफिस है या आप ऑफिस में हैं, देखिए वो भी ज़िंदगी की एक ज़रूरत है।
सही है, आपको फैमिली को अपने फीड करना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप सबको छोड़ के घर पे बैठ के आप जो है सिर्फ नमाजों पे, कम से कम आप फर्ज नमाज जो आपको मिलती है चार रकात जोहर की है, चार रकात असर की है, तो वो तो कम से कम आप अदा कर दें, फिर आपको जब वक्त मिले तो बाकी के नवाफिल आप पूरे कर लें, ऐसा है ओवैस? मैं कुछ बातों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, जैसे आपने वो वाकया बयान किया 50 से 5 तक का सफ़र, इसमें भी थोड़ी सी तहकीक की गुंजाइश है, मगर आपका जो इसमें जज्बा है और जिस नीयत से आप बयान कर रही हैं मैं उसको मद्देनजर रखते हुए हम यही कह रहे हैं कि कोशिश करें 100% की, शूट फॉर द मून, इफ़ यू मिस यू विल बी अमंग स्टार्स, बट एटलीस्ट शूट, इट्स नेवर टू लेट, रमज़ान आपको मौका दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, देखें ना आप सो रहे हैं तो इबादत है, क्या इसका ये मकसद है कि आप सोते रहें? नहीं, मगर सोने में भी इबादत दे रहा है, वो आपको सोने का भी अजर दे रहा है, वो आप खा रहे हैं तो इबादत है, आप नहीं खा रहे तो इबादत है, भाई इफ्तार में बैठे हुए सबके साथ खा रहे हैं ये इबादत में शामिल हो रहा है, और अगर आप नहीं खा रहे रोजे की हालत में तो भी, यानी उसकी जोदो सखा, उसके कर्म का दरिया, उसकी इनायतों और बख्शिश का समंदर ठाटे मार रहा है और आप अभी भी नहीं ले गए तो फिर आप बहुत कंजूस और बहुत पीछे ले जाने वालों में से हैं, सबसे ज्यादा मुश्किल बात यह है। तो कोशिश करें कि हम सारे ही माह में सारे ही सातों में जितना समेट सकते हैं समेटें, मगर अगर अब रमजान आ गया है 2-3 दिन बाद, अगर अब तक नहीं किया तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अब तो बेदार हो जाएं, रमजान है, अल्लाह ताला की रहमतें जोरों शोरों से बरस रही हैं, अब तो आप बेदार हो जाएं, अगर आप इतना ना कर सके तो अब भी वक्त है, देर नहीं हुई है, अब आप बेदार हो जाएं, मजीद हमारी बातें और इस खूबसूरत गुफ्तगू को मजीद कंटिन्यू करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक पे जाते हैं, अभी हाजिर होते हैं, देखते रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। जना आप ब्रेक से वापस आ चुके हैं, मज़ा इस बात से आ रहा है और इतना ज़बरदस्त ये मुझे महसूस हो रहा है कि खातून ने सवाल किया था कि आप क्या क्या गुफ्तगू पे उन्होंने मज़ीद रोशनी डाली, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ थी। सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप जब खुद कन्फ्यूज़ होते हैं और जब उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ये कॉन्फिडेंस भी हर एक के अंदर नहीं होता। मैं बिल्कुल इस बात को मैंशन करना चाहूँगी कि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम कन्फ्यूज़ होते हैं और हम कन्फ्यूज़न अपने अंदर ही रख के ना वो पका रहे होते हैं। बेहतर ये है कि आप कॉल करें अभी भी, अगर आपको हमारे शो में ऐसा लग रहा है कि कोई बात आपको क्लियर नहीं हुई है तो ज़रूर कॉल करें और हमसे पूछें कि हमारी बात का मतलब क्या है या हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे पास इस वक्त दो खूबसूरत और हसीन किस्म की बातें करने वाले मेज़बान मौजूद हैं, जो कि ओवैस रब्बानी साहब बड़े खूबसूरती से लाइट डाल रहे हैं, इनफैक्ट ऑफ एयर वो मुझे भी थोड़ा सा गाइड कर रहे थे कि देखें इस तरीके से मुआशरे को टॉलरेंस की ज़रूरत है और आप भी थोड़ा सा ऐसे करें, तो बहुत ही खूबसूरत बात है, तो ज़रूर कॉल करें अगर कोई बात समझ नहीं आ रही है तो ज़रूर पूछें। जी रेनम सॉरी मैं आपकी बात काटती हूँ, आज मुझे ये हक बिल्कुल नहीं मिलता कि आपकी बात काटूँ, लेकिन मैंने ये सोची थी कि हमने अपनी इफ्तार ट्रांसमिशन के हवाले से तो काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की है, और लेकिन थोड़ी सी ओएस हम नज़र डालते हैं हमारी जो शहरी की नशरियात होंगी उस पर भी, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे खूबसूरत पहलू हैं, कुछ ऐसी खूबसूरत चीज़ें जो हमने एज सेगमेंट्स इंट्रोड्यूस की हैं, जो मुझे लगता है कि रमज़ान में किसी की ज़िंदगी पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेंगी, किसी ना किसी को कुछ सिखाएंगी और हमारे दिलों में इस्लाम के लिए अपने मज़हब के लिए जो प्यार है और जो जस्तजू उसको जानने की वो और ज़्यादा बढ़ा देंगी, तो थोड़ी सी उस पर भी प्लीज़ नज़र। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सबसे पहले तो बहुत सारे लोग जैसे कि रेनम ने कहा और युसरा ने इस पर मज़ीद रोशनी डाली है, कुछ ऐसी मामूली सी गलतियां करते हैं, गलतियों को अगर हम सुधारने की कोशिश करें या जसारत करें तो बहुत मस्बत अंदाज में इसको लेने की कोशिश कीजिएगा। ख़ुद इसके तलफ़ में बहुत से लोग मिस्टेक कर जाते हैं कि जी सहरी होता है, सहर और सहरी में बड़ा फ़र्क होता है, सहर एक जादू को कहते हैं और सहर सुबह की नवेद का नाम है, बाद सुबह का नाम है, बाद नसीम का भी नाम है, सहरी में और ख़ास तौर पे इफ्तार में एक बड़ा एक डिफरेंस है। इफ्तार में आपको तलब होती है, जिस्मानी भी यानी नफसी तौर से आपको ग़िज़ा की तलाश होती है, ऑब्वियसली आप प्यासे होते हैं, मुस्तरब होते हैं, और सहरी में आप एहतमाम कर रहे होते हैं, उस वक्त रूह बेदार हो रही होती है, वो जो अर्ली मॉर्निंग मैसेज आपके जहन में अच्छा चला जाए तो वो पूरे दिन सर्कुलेट करता है, रिवॉल्व करता है। इनफैक्ट जब सहरी की बात हो रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि सहरी में लोग ज़्यादा पेशेंस से बात को सुनते हैं, इफ्तार में तो इतने नहीं सुनते ना पेशेंस से, लेकिन सहरी में मैंने नोटिस किया है जितने लोग ट्रांसमिशन देख रहे होते हैं ना बड़ी खामोशी से और बड़ी लिसनिंग कैपेबिलिटी उनकी ना बढ़ी हुई होती है और वो सुन रहे होते हैं क्या बात हो रही है। बस ये टाइम भी ऐसा होता है कि या तो इस पर इबादत हो या फिर एहतमाम इबादत हो, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एहतमाम इबादत अच्छी तरह से करें, उसमें खास
خاص طور پہ قرآن کے اوپر بڑا زور دیا گیا ہے کہ اس کی تلاوت اور پھر اس کے الفاظ تلفظ کی ادائیگی اور پھر اس کا ترجمہ اور اس کے بعد پھر جیسے عشق نبی کا ذکر کیا گیا نعت خوانی کے مقابلے بھی چلیں گے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے اس کو 15-15 دنوں پہ ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے, ایک دن قرآن کا, ایک دن نعت خوانی کا, اور پھر وظائف کے اوپر بڑی خصوصی گفتگو ہوگی. وظائف کون سے؟ وہ جو قرآن کی روح سے اخذ کیے گئے ہیں, وہ جو آپ کی عام زندگی میں مشکلات کا حل بن سکتے ہیں. دیکھیے, یہ قرآن نسخہ ہدایت بھی ہے اور غنچہ علم حکمت بھی ہے. یہ آپ کو وہ آسانیاں پیدا کر کے دکھائے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اب اس قرآن سے ہم عام زندگی کے مسائل کا کیسے حل نکالتے ہیں, ہمارے پاس معروف اور جید علماء کرام اس وقت موجود ہوں گے, اور جب آپ لائیو کال کریں گے, اپنے گھریلو مسائل عزیز و اقارب کے ساتھ الجھنے ہیں, کاروبار کے رزق کی فروانی میں جو مسئلے ہیں فوراً سے کہہ دیں, اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ قرآن کی روح سے اس کا حل, اس کا منفرد اور اس کا بہت ہی مستحکم حل آپ تک پہنچائیں. یہ وظائف کا سیگمنٹ مجھے بڑا اچھا لگا. اس کے لیے جی ٹی وی نے بس مول میرے میں بیٹھ کر یہ دیکھ رہا تھا کہ کتنی مشکل سے علماء کرام میں سے بھی چھانٹ کے, سارے ہی بہت اچھے ہیں, مگر کوشش کی کہ وہ آئے جو ایک تو عالم ہوتا ہے اور پھر ایک ایسا خطیب ہوتا ہے جو اپنی بات ڈیلیور بھی کر پاتا ہے. وہ بڑا محتاط کام ہے. تو کوشش کی ہے کہ کوئی ایسے ڈھونگ اور جال میں نہ پھنسیں بلکہ اچھی اچھی نشریات پریزنٹ کریں. اور پھر ساری میں یہ کہ دسترخوان میں جو ہم نے افطار میں رکھا ہے اس کا تھوڑا سا ذائقہ آپ کو ساری میں بھی ملے گا انشاءاللہ. یعنی آپ نے دیکھا یسرا اس میں آپ کو بڑا ہیلپ کریں گی کیونکہ یہ کھانا پکانے کا کام خواتین کا ہوتا ہے. یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے پکوان رمضان, اس میں یسرا آپ کو کچن کی طرف لے کے جائیں گی اور آپ کو بتائیں گی کہ کیا بن رہا ہے, آپ کے گھر میں کیا بن سکتا ہے اور ہم آپ کو کیا تجویز آتے ہیں. اچھا, دو سیکنڈ کے لیے میں خود ڈر گئی تھی, مجھے لگا تھا ویسے کہیں گے یسرا کچن میں جائیں گے. میں بھی تھوڑی دیر کے لیے شاک ہو گئی تھی کہ یسرا نے شو پہ تو آج تک کچھ بنایا نہیں ہے, اللہ رحم کرے. نہیں, میں خود ڈر گئی تھی. لیکن نہیں, بالکل, کیونکہ رمضان جو ہے نا وہ ایسا ایک مہینہ ہے, ہماری عبادتیں اور یہ چیزیں ہماری ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں, لیکن وہ ایک ایسا بھی مہینہ ہے ٹوگیدرنیس ہوتی ہے. بالکل بالکل, یہ خوبصورتی ہے رمضان کی کہ آپ جو ہے سب ایک ساتھ مل بیٹھتے ہیں اور سحر اور افطار کا اہتمام ہوتا ہے. یہاں پر ایک کال لیں گے. السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ بیٹا میں ظفر محسن نقوی حیدرآباد سندھ سے بات کر رہا ہوں. بیٹے آج حیدرآباد سے بھائی کالنگ آ رہی ہیں, حیدرآباد والے دیکھ رہے ہیں. بیٹے میں آپ کا ٹیلی ویژن جی ٹی وی مستقل دیکھتا ہوں, مارننگ شو انٹینشنلی دیکھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے انتہائی سینسیٹیو ایشوز آپ لوگ لے کے چلتے ہیں اور میڈیا ایک ایسا اویئرنیس دیتا ہے, تو اس میں آپ لوگوں کا کافی اچھا پارٹیسپیشن ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی. تھوڑا سا اگر مجھے دو منٹ دیں گے تو میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا. جی محسن صاحب, ہم سن رہے ہیں آپ کو. بیٹا میرا ایشو یہ ہے کہ اصل جو ہے سورہ بقرہ میں ہے کہ انسان پہ, ہلو جی سن رہے ہیں ظفر صاحب آپ کو, انسان کو ماں کی گود سے اور قبر کی گود تک جو کچھ بھی اکارڈنگ ٹو دی ٹیچنگ آف آل مائٹی گاڈ, اللہ کے احکامات کے تحت گزارنے کو عبادت کہتے ہیں. بے شک, لوگوں سے ملنا, پڑوسیوں کے حقوق, بہن کے, بھائی کے, زمینوں کے, جائیداد کے, کاروبار کے, یہ تمام چیزیں عبادت ہیں, عبد ہے. عبد سرینڈرنگ کو کہتے ہیں عبادت, یعنی اللہ کی عبادت مینس کہ اللہ کے احکامات کو فالو کریں. ہم نے صرف رسومات بنا لیے بیٹے. ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہم بھوکے رہیں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے سجدوں کی فکر نہیں ہے, مسجد کی طرف منہ کرو یا مغرب کی. بات یہ اب جیسے افطار کے سامان سے مطبخ بھر جاتے ہیں, زیر گلو جو بھی لقمہ جاتا ہے وہ لقمہ تر جاتا ہے. ہمیں پڑوسی رشتے روزے داروں کی خبر نہیں کہ پڑوسی بھوک سے مر گیا. بالکل, ہماری کریکٹر بلڈنگ ہونی چاہیے بیٹا. یہ مہینہ چیز چیز کے مہنگائی لے کے آتا ہے. بالکل بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں آپ. ہم کیا 11 مہینے کی یہ عبادت ہے ہماری, ایک مہینے کی کہ ہم نام پوچھے تو دین محمد اور نور محمد ہوتا ہے. بالکل بالکل ظفر صاحب, اس ٹاپک پہ بھی ہم جو ہے روشنی ڈالتے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ حقوق العباد کو ہم جو ہے بہت بہت شکریہ ظفر صاحب, آپ نے ایک نئی بات کی اور ہمیں اس پہ بات کرنے کا موقع دیا کہ حقوق العباد ہم جو ہے وہ مس کر رہے ہیں. ساری بات ہی احساس کی ہے. دیکھیں کیوں اس کا عرفان رمضان پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ باتیں بہت بڑی بڑی کر رہے ہیں اور آپ کو معرفت ہی نہیں ہے, ایکچولی آپ اس کی روح تک نہیں پہنچے, اس کی بنیاد, اس کی اساس تک نہیں پہنچے, تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں پایا. ایکچولی یہ سارا جھکنا, یہ اٹھنا بیٹھنا ضائع ہو جائے گا. آپ اپنے دسترخوان کو بھر, مجھے بہت اچھی لگی ان کی بات,
और हैदराबाद से जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं इसको, आई रियली अप्रिशिएट इट. दस्तरखान को भर रहे हैं यूसरा, बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हैं और वो सिर्फ अपने लिए भर रहे हैं. ये एहसास नहीं है कि बराबर वाले घर तक कुछ गया नहीं गया, मगर मैं इसको एक बड़े मस्बत अंदाज से पेश करना चाहूँगा. पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा एजाज़ हासिल है कि हमारे यहाँ खास तौर पर अफतारी का अहतमाम सड़कों पर भी किया जाता है, ये अफतारी और घर घर जाती. मुझे तो याद है कि मैं जब भी रमजान मैंने बचपन में घर पे गुजारे हैं तो अम्मी प्लेट और पूरा एक बना के देती हैं. ट्रे नहीं भूलते, ट्रे और उसके ऊपर एक कपड़ा लगा हुआ है कि आप जाके देखा है. खानपोश कहते हैं उस कपड़े को. खूब वर्ड भी कितना खूबसूरत है, खानपोश. दूसरी चीज आती है जी ज़कात, खैरात, सदकात. आप किधर लाखों रुपए बांट रहे हैं. अगर आपने अपनी बहन का एक रुपया भी कब्जा किया हुआ है या आप उस जगह पे जहाँ आपकी मलकियत नहीं है, कब्जे की जमीन पे आप इबादतों का शोर मचा रहे हैं, तो आप पे वो चीज़ वाजिब है. सबसे पहले अपने वाजिबात को अदा करें. वो जो आपने किसी का हक गाजिब किया हुआ है या आपने कब्जा किया हुआ है, लोग क्या करते हैं, अच्छा बहुत मुश्किल बात है मगर काम की बात है. लाखों रुपये सदका खैरात कर देने से बेहतर है एक रुपया जो हलाल का कमाया है उसको हलाल लगा दो. ये बहुत ज़रूरी है. लोग इसको समझते नहीं है. लोग समझते हैं ब्लैक मनी व्हाइट मनी कन्वर्ट होने का महीना आ गया. ऐसा कुछ नहीं है. परवरदिगार नियतों को देखता है. इन्नमल अमालु बिन्नियात. बेशक एहसास बहुत इंपॉर्टेंट है मगर फखर की अच्छा बात है. इन्होंने जफर साहब ने ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि आजकल हमारे ना अफतारी देने का और पड़ोस में क्या बन रहा है. देखिए अब जो दौर है ना वो बड़े मजे मजे के खाने. पहले के दौर में जो बात एक वाजे है कि इतना एहतमाम चीज़ों का नहीं होता था. सिंपल पकौड़े होते थे, सिंपल सिंपल सी हमारी चीज़ें होती थी, शरबत है, चाट है. लेकिन अब क्या है, चीज़ बॉल्स बन रहे हैं और बड़े नगेट्स वगैरह बन. तो ये जो खुशबुएं होती है ना ये आपके पड़ोसियों को बड़ा जो है ना वो उनका दिल ललचाती है. तो आप जब भी कुछ इस तरीके की चीजें बनाएं, स्पेशली रमजान में जब सबका रोजा होता है, तो यकीन करें कि आपके दिए हुए चीज से, आपके दिए हुए खाने से कोई इफ्तार में उसे खाता है तो आपको भी उनके रोजे का सवाब मिलेगा. हमें ये भी याद रखना चाहिए कि रमजान का महीना खुशियां बांटने का महीना भी तो बेशक है. खुशियां बांटने का महीना है, अपने खानदान वालों के साथ टाइम गुजारने का महीना है. अगर मैं अपने घर की बात करूँ ना रिनम, तो मैं ये देखती हूँ कि हम, आपको पता है कि सब वर्किंग है मेरे घर में, एवरीबडी इज़ वर्किंग और सब ट्रैवल भी, जैसे अब मेरी बहन लाहौर में तो सब अलग अलग ट्रैवल करते हैं. लेकिन रमज़ान का महीना वो वाहिद महीना होता है जब हम पांचों के पांचों टेबल पे बैठे हुए होते हैं, एक वक्त पे बैठे होते हैं ना और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं. तो ये आपको अपनी रमज़ान एक मौका भी देता है कि आप जिस रूटीन में हैं, क्योंकि हम अपने रूटीन की ज़िंदगी में कभी कभार भूल जाते हैं, क्योंकि अपने घर में भी लोगों को उनका उस तरह एहसास नहीं कर रहे होते. जब हमें मौका मिल रहा है तो क्यों ना हम अपने घर वालों का भी एहसास करें, अपने पड़ोसी का भी एहसास करें, हमारे माशरे में जो लोग हैं उनका भी एहसास करें. बिल्कुल, क्योंकि हुकूक़ इबाद के लिए अल्लाह ताला ये फरमाता है कि मैं हुकूक़ अल्लाह तो माफ़ कर दूंगा तुम्हारे, यानी कि ये नमाज, ये रोज़ा, जो जो मेरे हकूक़ हैं वो तो मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन हुकूक़ इबाद मैं माफ़ नहीं करूँगा. ये इख्तियारी है, अल्लाह चाहे तो उसके पास ये इख्तियार है. मतलब ये नहीं कि नमाज माफी हो गई है बट उसके इख्तियार में, मगर वो कहते हैं बंदों के हुकूक तुमने देने हैं, वो तुम वो बंदे माफ करेंगे तो बात बनेगी. बिल्कुल ऐसे ही, और रमजान इसी चीज का पैगाम है. देखिए रमज मिटा देना, जला देना, गुनाहों को मिटा देता है, जला देता है, तो वो उस इंसान को भी जला और मिटा दे जो बदकार है, यानी उस नफ्स को जो अब तक खल्त मल्त हो चुका था बुराई में, उसको जला के आपको पॉलिश करके चमकता हुआ फर्निश करके बना दे, फिर से आप उस बेदारी के साथ आ जाए. वो जो दुनिया का रंग हम पे चढ़ गया है और आखिरत का रंग, एक बहुत खूबसूरत सा जुमला मुझे याद है, जिस तरह हम लोग रमजानुल करीम को गुजारते हैं और आखिरत यानी कि आखिर के दिनों में हमें ईद मिलती है, परवरदिगार हमारी दुनिया भी रमजान जैसी कर दे कि हमारी आखिरत ईद जैसी हो जाए. बेशक कितनी खूबसूरत बात है. अच्छा भाई, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि ताखरातें भी आती हैं रमजान में, बड़ी हम लोग बेदारी के साथ इबादतें करते हैं, तो आपकी ट्रांसमिशन में कोई खास एहतमाम होगा इन रातों का? बिल्कुल होगा इंशाल्लाह. नियत है, कोशिश है और हिकमत अमली भी है इस हवाले से. हमने तमाम ही बड़ी रातों में, बिलखसूस शब कदर की रातों में बड़े मिलाद का अहतमाम किया है. उसमें उन रातों के फ़ज़ाइल और ख़साइस के हवाले से हमने असकार रखे हैं. जय्यद उल्मा कराम उस रात की फजीलतों और तरीका इबादत पे गुफ्तगू करेंगे. आज क्या करना है, देखिए इरफान की बात है ना, अगर आपको पता ही नहीं है क्या करना है, बिल्कुल वो तो एक इंसान अगर नियत से इस्तग़फ़ार भी कर ले तो परवरदिगार बख्शने वाला है. मगर चीज़ें अगर तरतीब में प्लान हो के उसकी मर्जी के हिसाब से, कमाल क्या है, जो यार चाहे वो हाल अपना बनाए रखना, कमाल ये है. इश्क वो नहीं है जो आप उसको करते हैं, इश्क वो है जिसका तकाजा वो आपसे कर रहा है. तो वो तरतीबात और मामूलात और वाजिबात और अमलियात बयान करने की कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह. तमाम ही बड़ी रातों में हमारा इरादा है
कि एक खूबसूरत सी ट्रांसमिशन का एहतमाम बेशक बेशक। अच्छा मैं ये चाह रही थी ना कि आप अपने जो सेगमेंट्स का पैटर्न है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने हैदराबाद से लाहौर में हमारी जो है ना बड़ी सारी कॉल्स आती हैं, बड़े लोग देख रहे हैं, तो उन्हें एक दफ़ा फिर आप रिपीट कर दें कि आपके सेगमेंट्स क्या क्या होंगे और किन किन सेगमेंट्स में उनके बच्चे या उनके छोटे बहन भाई जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी एक दफ़ा और आप रिपीट कर देती है। लाहौर वालों से खुसूसी मोहब्बत है और इस बार बहुत सारी कॉल्स हमें आई लाहौर से पार्टिसिपेट करने के लिए। हमने उनको दावत दी है कि वो कराची आएँ और कराची में पार्टिसिपेट करें। लाहौर एक बड़ा शहर और इस तमाम पाकिस्तान के इश्क़ रमज़ान यानी इश्क़ कुरान सबसे पहले हमने इरफान रमज़ान में रखा है। पहला सेगमेंट हमारा कुरान से मुंसलिक है और उसके बाद फिर इश्क़ नबी जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया है, फिर अंदाज़े बयां है, फिर मेहमान रमज़ान भी है, फिर इल्म रमज़ान भी है, फिर दास्तान रमज़ान भी है, और फिर उलमा कराम से गुफ्तगू है जो बहुत सहर अंदेज़ होगी, सहर हासिल होगी, और उसके बाद फिर दुआ इफ्तार है। दुआ हमने खास तौर पर रखवाई है। मैं 3 साल मुझे हो गया ट्रांसमिशन करते हुए, मगर मैं मिस करता हूँ कि वो जो प्राइम टाइम होता है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। उस वक्त आपको फरिश्ते रेटिंग्स दे रहे होते हैं, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। वो टाइम होता है मांगने का और उस वक्त हम कहीं आसपास ना जो होता है ना आपके पूरे रोजे का वो उसी टाइम आ रहा होता है। यहाँ पर एक कबूलियत की घड़ी है। आपकी बात भी मैं शामिल करूंगी। यहाँ पे एक कॉलर है, देर से इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। और टीवी की आवाज़ सुनने में कॉल चली गई। आप लोग टीवी का वॉल्यूम अप कर देते हैं भाई। आप जो है रात में यूट्यूब पे अपने आराम से आवाज़ को रिपीट कर करके सुने, 5 दफ़ा 6 दफ़ा 7 दफ़ा सुने, तो वॉल्यूम अपना बंद कर दिया करें, क्योंकि रात में आप आराम से सुन सकते हैं अपनी आवाज़ को, बात पहले कर लीजिए कीजिए। तो युसरा हमसे कुछ कह रही थी। जी युसरा, मैं ओवैस की बात को आगे बढ़ा रही थी कि वो जो कबूलियत का वक्त होता है उस वक्त, और बड़ा अगर कभी खामोशी से उस जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ होता है कभी उसको ऑब्ज़र्व करें ना, तो बहुत सुकून मिलता है, दिल को सुकून मिलता है, और ऐसा लग रहा होता है कि हम वाकई में देने वाले से इतने करीब हो गए हैं कि आज हम कुछ भी मांगेंगे तो हमें मिल जाएगा। बेशक बेशक, ऐसी ही फीलिंग क्रिएट होती है। तो वैसे आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहेंगे। अच्छा मैं ये सोची थी कि आपने एक सेगमेंट जो पहले मुझे बताया था ना, जो मुझे बड़ा क्यूट लगता है, वो बच्चों की नशर, वो रोज़ा कुशाई, अच्छा रोज़ा खुशाई वर्ड नहीं होता, रोज़ा कुशाई आई थिंक सही वर्ड होता है, तो ये रोज़ा कुशाई वाला सेगमेंट आई थिंक आपने मेंशन नहीं किया, ये भी होगी हमारे पास? ये खास तौर पे कोई सेगमेंट नहीं है बल्कि ये हमारा मामूल है। अच्छा। हम हर दिन जो बच्चे बैठे होंगे उनको बुला के रोजा कुशाई करेंगे उनके अच्छा, साथ अच्छा। और ये तरीका भी है उनको थोड़ा इनकरेज करने का, उनको मोटिवेट करने का, क्योंकि जाहिर है जब जिसका पहला रोजा होता है, अगर आप याद करें अपने भी पहले रोजे को, एक खुशी तो होती है कि आज हम बड़े हो गए, आज हम रोजा रख रहे हैं, उस वक्त वो, लेकिन एक पुश अगर किसी से मिल जाए ना, या अगर घर वालों से जरा थोड़ी बहुत, जैसे बच्चों को कहते रहते हैं ना, थोड़ा सा टाइम बचा, थोड़ा सा टाइम बचा, और फिर उनको कोई मोटिवेट करे, तो फिर वो और ज्यादा ये करते हैं कि अच्छा अब हमें एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, तो अब हम और ज्यादा बाकायदगी से, और जो देखने वाले बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं, वो भी इनकरेज हो जाते हैं कि नहीं हम भी रोजा रखेंगे। और जनाब मेरी तो रोजा खुशाई हुई नहीं थी, मुझे तो याद नहीं है, बस हमने तो ऐसे ही रोजा रख लिया था, और उस दिन बस अम्मी ने बोला था आज तुम्हारी पसंद के जो है ना मैं पकौड़े बनाऊंगी, आज तुम्हारी पहला रोजा ना, तो हमारी तो बस ऐसी थी। लेकिन अब कितनी मजेदार ये बात है, और बच्चों के लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कि उनके पहले रोजे को इतनी बड़ी रिकॉग्निशन मिल रही है, उन्हें हमारे जी टीवी पे अगर वो आना चाहते हैं तो उन्हें इतने बड़े तरीके से उनकी यादगार हम रोजा खुशाई बना देंगे, तो ये कितनी खूबसूरत बात है। कोशिश हमारी यही है, बिल्कुल हमारी कोशिश यही है। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो लेमैन है जो हम इस वक्त देख रहा है, तो उसके लिए कोई ऐसा जामे मैसेज जो रमजान के हवाले से वो परसीव करे, जैसे कि खातून को थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, और वो मौजन साहब जिनकी कॉल आई थी जफर साहब की, उन्हें थोड़ी सी थी कि इस तरह नहीं इस तरह, तो कोई ऐसी जामा बात हो जो कम अल्फाज में लोगों को डिफाइन कर दी कि रमजान और उसके मकसद क्या है। मेरे ख्याल पहले युसरा से एक पैगाम ले लें, क्योंकि युसरा इसमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी डिलीवर कर रही है। युसरा लड़कियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारी नशियात के हवाले से? बिल्कुल, नशियात के हवाले से, रमज़ान के हवाले से। मैं सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, सारे देखने वालों को यही पैगाम दूंगी, या हम मेरी और वैस की कोशिश उम्मीद यही है कि सबसे पहले तो हमें ये बात, हमें पता है कि हमें अलग अलग किस्म की ऑडियंसेस देख रही हैं। एक घर में जो इफ्तारी बनाने वाली माँ है जो कि रोजे में है और थक हारी, सबसे बड़ा सलूट तो उन्हें जाता है, सबसे बड़ा सलाम है तमाम माओं को कि भाई इतनी रोजा उनका खुद का भी होता है, 4 बजे से इतनी गर्मी में वो शुरू हो जाती है सबके लिए इफ्तार बनाना, बिल्कुल, और इतनी मुश्किल से, और सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं वो, अगर चाह रही है कि अपने घर में कोई वैरायटी लाएं, कुछ डिफरेंस लाएं, कोई नए नित नए खाने बनाएं,
ये हमारी नशियात उनके लिए हैं, हमारी नशियात उस नौजवान नस्ल के लिए हैं जिसको शायद पता नहीं है या वो अपने मज़हब के हवाले से कुछ सवाल हैं, कुछ कन्फ्यूजन हैं जो शायद एक डर से नहीं कर पा रहे कि हम अगर करेंगे तो शायद लोग कहेंगे कि अच्छा तुम्हें ये भी नहीं पता, ये तो इतनी बेसिक बात है, ये भी बड़ा डरते हैं, वजू का सही तरीका नहीं पता, ये तो बड़ी बेसिक बात है। ये उनके लिए भी है कि वो बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के हमारी जब नशरियात देखेंगे तो वो उससे देख के एक मैसेज उनको समझ आएगा, सही तरीका समझ आएगा। ये उसके लिए भी है जो जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी जो हमारे रमज़ान की जो दीगर चांस नशरियात देखते हैं तो वो बड़ा एक कहना चाहिए नेगेटिव सा एक मैसेज उनके दिमाग में जाता है कि अच्छा ये तो इबादतों का महीना है, रहमतों का महीना है, उसमें ये ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ऐसी हम एक पॉजिटिव इमेज रमज़ान नशरियात के हवाले से लाना चाह रहे हैं कि ये एक कंप्लीट पैकेज है, दीन के बारे में एक पैकेज है कि आप बस देखेंगे और आपको अलग अलग पहलू से आपका दीन समझ आएगा, आपको अलग अलग पहलू से पाकिस्तान का कल्चर समझ आएगा और रमज़ान है क्या वो अलग अलग पहलू से समझ आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको जो है ना काफ़ी सारी स्पेशली जब हम यंग लोगों की बातें करते हैं तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती है जो उन्हें नहीं पता होता, उन्हें नहीं पता होता कि ये क्या बेसिक तरीके हैं। इनफैक्ट मुझे मैं खैर ऑनर तो नहीं बताऊँगी, मेरे भी काफ़ी रिश्तेदार देख रहे हैं, ओवैस आपको पता है वो एक बुढ़ापे में दाखिल हो चुके थे, दादा बन चुके थे और वो कभी भी ना घर नमाज नहीं पढ़ते थे घर में, अगर उनका होता था जुम्मा जुम्मा वो मस्जिद में जाके पढ़ लेते थे और या तो ईद की वो नमाज पढ़ लेते थे। फिर किसी ने पूछा, उनकी जो बीवी थी ज़ाहिर बूढ़े हो चुके थे, नात नवासे वाली हो चुके थे वो लोग, तो उनसे किसी ने पूछा कि ये पढ़ते नहीं है घर में नमाज, कभी भी नहीं पढ़ते हैं, अगर पढ़ते हैं तो मस्जिद में पढ़ते हैं, मतलब यार कभी घर में भी आप पढ़ लें अगर वक्त नहीं मिला तो वो उनकी फिर उनकी बीवी ने बताया कि असल में इनको ना पता नहीं है सही नमाज का तरीका, तो वो जमात में जाके सिर्फ खड़े हो जाते हैं और जैसे सब करते हैं वो वैसे करते हैं। यहाँ पे कितनी डीप बात है, कितने उम्र के लोग भी होते हैं तो उन्हें भी नहीं पता। अब देखिए इरफान रमजान में हम करना क्या चाह रहे हैं, यही इरफान तो पहुंचाना चाह रहे हैं, यही इल्म और हिदायत तो पहुंचाना चाह रहे हैं, जरूरी बातें मीठे अंदाज में पहुंचनी चाहिए। खुद ही को बदलने का है, रूहानियत को बेदार करने का है। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फितरत को खिरत के रूबरू कर, तस्खीर मकाम रंगबू कर, यानी अपने आप को ज़रा कुदरत के आयने में रख के देखो क्या मिसिंग है, क्या चीज़ है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, और इस पूरी कायनात पे अपना रंग भी तो छोड़ो, हमेशा सूरज ही तुम पे किरणें बरसाता है, ज़रा अपनी किरण भी तो आगे तक पहुंचाओ, अपनी ज़िया से भी लोगों को ज़रा बेदार करो, फितरत को खिरत के रूबरू कर, तस्खीर मकाम रंगो बू कर। और एक बड़ा प्यारा जुमला मैं इसको अपने अंदाज से पेश करना चाह रहा हूँ इसी शेर का है कि गर्चा भी लज्जत नहीं कुदरत, जो इससे ना हो सका वो तू कर। यानी मुमकिन है कि कोई चीज़ आपको मिसिंग नजर आ रही, इफ़ देयर इज समथिंग मिसिंग फिल इट। हमसे अगर कोई कोताही हो जाए माशरे में, किसी से कोई खास पैगाम पहुंचाने में कोताही हो जाए, लेट जस्ट फिल इट, आप अपना हिस्सा डालें इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। रमजान में, रमजानुल करीम में खास तौर पे अगर आप कुछ भी छोटा सा अमल भी कर सकते हैं जस्ट टू मेक इट मोर ब्राइटेड, अपने अमाल को सुधारने के लिए डू नॉट हेजिटेट। खौफ में ना रहें, तरद्दुद में ना रहें कि हम करें या ना करें, कर गुजरें, क्योंकि ये मामला बंदे और अल्लाह का है और अल्लाह बहुत बख्शने वाला रहीम और करीम है। पहला अशरा आपके सामने है, दूसरा अशरा आपके सामने, तीसरा रहमत और मग़फ़िरत और निजात तक वो आपको लेके जाना चाहता है, तो ज़रा इसको पकड़ लें, ग्रैब कर लें। यही इस खास तौर पे आज आपके मॉर्निंग शो में भी हमारी जो गुफ्तगू हुई उसका नतीजा भी यही, और इंशाल्लाह रमजान नशरियात में भी हम यही करेंगे। और पूछने का मकसद जैसे कि ओवैस कह रहे थे कि आप कर गुजरे, आप पूछ लें, कोई कन्फ्यूजन है तो मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा है। इनफैक्ट ओवैस क्लास रूम में भी जब लोग मौजूद होते हैं ना तो सब खामोश बैठे हुए होते हैं, पता किसी को भी नहीं होता लेकिन फिर भी सब खामोश बैठे हुए होते हैं कि कहीं हम गलत ना कह दें, लेकिन वो जो एक बच्चा भी सवाल उठा लेते हैं ना पूरी क्लास की 40 के 40 लोगों की उसमें रहनुमाई हो जाती है। यही तो चीज़ें लोगों की जो कि हम ख़त्म करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं और हम दीन की तरफ लोगों को लाना चाहते हैं। सही कह रही हैं, सही कह रही हैं, कोशिश ये है हम खुद भी आना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत दीनदार हो गए, बल्कि हम तो सबसे ज़्यादा मुस्तहक हैं इस बात के कि हमें दीन सिखाए, मगर क्लास रूम में आने के बाद ही इंसान को इल्म मिलता है। सो वी आर नाउ इन द क्लास रूम एंड द क्लास रूम इज़ लाइव ऑन एयर इरफान रमज़ान, उसमें आप भी सीखें, मैं भी सीखता हूँ और हम सब सीखने की कोशिश करेंगे। अच्छा भाई, इसको छोटा सा मैसेज जो रमज़ान के हवाले से हमारे व्यूअर्स को देखना चाहेंगे, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान से, पंजाब से, सिंध से और लोग देख रहे हैं और सुनना चाह रहे हैं, तो कोई ऐसा मैसेज जो आप लोगों को देना चाहें? मैसेज हमारा यही है कि इस रमज़ान को पिछले तमाम रमज़ान अल करीम के महीनों से मुनफरिद बनाने की कोशिश करें, और जितना हो सके सबसे पहले तीन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। इंसान कोई भी अमल करता है उससे पहले नीयत उसकी बड़ी दरकार होती है, ये नीयत कर लें कि ये रमज़ान मुनफरिद होगा, अल्लाह आपको और मुझे और तमाम लोगों को ज़िंदगी दे, मगर ऐन मुमकिन है कि ये रमज़ान
ہم میں سے کسی کا آخری رمضان ہو, اللہ زندگی دے سب کو, اس کو گزارنا ایسی جیسے یہ آخری اپورچونیٹی ہے. اگر آپ کسی بھی چانس کو اپورچونیٹی کو یہ سوچ کے گزاریں گے کہ دس از دا لاسٹ ون, تو وہ بہترین ہو جائے گی. خدا آپ کو زندگی دے, ہر رمضان آپ سے ملاقات ہوتی رہے, عرفان رمضان میں آپ کو عشق رمضان اور اذان رمضان اور اعلان رمضان سننے کو ملے گا, بیان رمضان سننے کو ملے گا, اور پھر آپ کو اچھے اچھے میزبان جو یہاں پہ آپ کو پیسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ نظر آتے رہیں گے. خاص بات یہ ہے کہ ملک بھر سے معروف شناخہ اور انتہائی جید علماء کرام اور معروف سیاسی شخصیات بھی ہمارے پروگرام میں ہوں گی, تو آپ نے مس نہیں کرنا ہے. سیلیبریٹیز بھی ہیں, بلاگرز بھی ہیں, اور خاص طور پہ وہ لوگ بھی ہیں جو ینگ اچیورز ہیں, ان کو بھی ہم اپنے درمیان بٹھائیں گے, بلائیں گے. آپ بھی اگر ایسے لوگوں سے واقف ہیں ضرور رابطہ کریں. ہماری کوشش ہے کہ ملک بھر سے پاکستان کے ٹیلنٹ کو منظر عام پہ لے کر آئیں, اور آپ کو اور ہمیں خدا اپنے حفظ و امان میں رکھے اس رمضان کو منفرد بنانے میں. بے شک, کتنی خوبصورت بات ہے, کتنی مزیدار بات ہے کہ بھائی ہم سب سے جو ہے سب کو ریکگنائز بھی کروائیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم سیکھیں گے بھی, خود بھی سیکھیں گے اور آپ کو بھی سکھائیں گے. جب ہم یہی بات کریں نا کہ کوئی پوچھ لیتا ہے, کوئی اپنا فیڈ بیک دے دیتا ہے, تو سب کی جو ہے وہ رہنمائی ہو جاتی ہے. بات یہی چل رہی تھی, رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ نا آپ یہی سوچنے میں رکھ جاتے ہیں کہ یار میں جو ہے نا میں تو بہت ینگ ہوں یہ بات کرنے کے لیے, یہ بات پوچھنے کے لیے. کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مسائل پوچھنے میں ہیزیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ویورز کو لگتا ہے کہ آج کا جو ٹاپک تھا اس میں کچھ کور نہیں ہوا, یا یہ بھی بات ہونی چاہیے تھی. تو ہمیشہ اپنی فیڈ بیک سے نا آگاہ ضرور کیا کیجیے, کیونکہ کافی دفعہ کیا ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا, آپ لوگوں کو میں بتاؤں, بڑی مزیدار بات ہے, یہ تھوڑی سی ورلڈلی بات ہے لیکن بات بڑی ایک ڈیپ بات ہے. میں نے ایک پروڈکٹ یوز کیا, لائک اٹ واز اے شیمپو اور سم تھنگ لائک دیٹ, تو مجھے اس کا سیٹسفیکٹری ریزلٹ نہیں ملا نا, تو پھر میری ایک انٹرنیشنل انسٹرکٹر آئے ہوئے تھے ٹیچر, تو انہیں میں نے بتایا کہ یار یہ تو نا کمپنی ہے, آپ اتنی تعریفیں کر رہے ہیں اور یہ تو بالکل بھی اچھی نہیں ہے, اور میرے تو شیمپو میں یہ مسئلہ آ گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فیڈ بیک دیا اس کمپنی کو, ای میل کیا؟ میں نے کہا نہیں, ای میل تو نہیں, کیا کہہ رہے ہیں, تو پھر آپ کو کوئی بھی حق نہیں پہنچتا. ہو سکتا ہے آپ کے پاس غلط باٹل چلی گئی ہو, غلط آپ کے پاس پروڈکٹ چلا گیا ہو. تو یہی جو ایک بات ہے نا وہ آپ کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے, کہ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس شو میں کوئی کمی ہے, یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اور بات ڈسکس ہونی چاہیے, یا آپ کوئی اپنا مسئلہ ہے جس پہ چاہتے ہیں کہ بات کریں. کافی دفعہ ہم دیکھتے ہیں پراپرٹیز کے ایسے مسائل ہوتے ہیں جس پہ لوگ بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, نکاح کے جو ہے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ لوگ بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جس پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ بات ہو اور علماء اکرام کی رائے کو ہم شامل کریں, تو ضرور بتائیے گا. اگر آپ آن ایئر نہ بتانا چاہیں تو آپ اپنے آف ایئر, ہمارے نمبر اس وقت اسکرین پہ چل رہے ہیں, آپ ان نمبرس پہ کال کر کے آف ایئر بھی بتا سکتے ہیں. جناب ہمارے نمبرس پہ جو ہے ضرور رابطہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ ہی بہت بہت شکریہ یسرا آپ کا کہ آپ نے ہمیں جو ہے اتنا حسین وقت دیا, اور آپ کو یہ بھی میں پوچھوں گی کہ کیسا لگ رہا ہے میزبان سے جو ہے مہمان بن کے. میں نہیں, شکریہ آپ کر رہی ہیں. بالکل, اور اویس آپ کا بہت شکریہ. پھر سے کلیم اللہ سلیم اللہ شروع ہو جائے. اس لیے ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں, ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے اختتام کی طرف, مگر یہ جو رمضان نشریات ہیں عرفان رمضان, اس میں ایک سرپرائز بھی ہے. وہ سرپرائز میں نے سوچا کہ میں اپنے پاس اپنے دل میں رکھوں, مگر اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا. میں بتا دیتا ہوں, انشاءاللہ ہفتے میں ایک دن بچوں کی قوالی بھی ہوگی, اور بہت سے لوگ اس میں تردد میں رہتے ہیں کہ قوالی ہے کہ یسرا اور رینم دونوں سے پوچھتے ہیں یسرا قوالی پڑھی جاتی ہے یا بالکل بالکل, اور جب چھوٹے چھوٹے بچے قوالیاں پڑھیں گے, قوالیاں تو بہت زبردست لگے گا. اور قوالی میں ذرا سے ایڈ کر دوں, بچے یسرا نے بڑا اچھا جواب دیا, قوالی پڑھی جاتی ہے, عام فہم بھی یہی ہے قوالی کہی جاتی ہے اور قوالی کہی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, قوالی کہی بھی جائے گی, قوالی کہی جاتی ہے, یہ ایک نئی بات ہے. اسی کے ساتھ ہی ہمارے شو کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے, اور اتنی خوبصورت باتیں ہوئی ہیں, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر فیڈ بیک ہے کوئی تو ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ ہی اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.